क्या हाल है बुट्टू, क्या हाल है बुट्टू, अरे 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 आता रे आता खाता आओ गाइस आओ गाइस आओ गाइस देख रहा रे तेरे को होटल होना गाड़ी पे होना ऐ ऐ ऐ आओ रे बाबा वेलकम पोटो वेलकम 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 आवाज बराबर है रे भाई उही 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 केक उही उही आ तो कोई और कितना स्क्रीन में से निकल के आ जाए क्या आओ Voice is good. Thank you. Thank you. चलो गाइस अगले 15 दिन तक शांति ही शांति भाई गाइस अगले 15 दिन तक शांति ही शांति कितना दिल को सुकून मिला भाई वाह मैं बोल नहीं सकता गाइस बोल नहीं सकता जबरदस्त अभी दुकान पे कोई हल्ला नहीं होगा गाइस दुकान पे हल्ला हुआ तो उस बंदे पे हल्ला बोल हो जाएगा इजी इजी एफ बहुत परेशान कर लिया लोगों ने अपने को देख रहा रे एक गाड़ी दे दे रे बाबा आइसक्रीम है होड़ा किधर आ रहे है भाई मैं रेस करने जा रहा हूँ रेस करने एक रेस करके मिलता हूँ तुम्हें ठीक है तुरंत आता हूँ आपको मिलने कुछ काम भी है मेरे को आपसे तू मेरे को उठाता रे पहला इधर से मेरे पास गाड़ी नहीं कहाँ से अपना ये कमान से उठा ले मेरे को कमान से अब भी आया आओ आओ आ जा ठीक है आ रू फ्री में कार मिल रही है ले लो कहाँ मिल रही है फ्री में कार आई एम गुड मैन हाउ आर यू बर्गर चाहिए भाई ओ माय गॉड ये क्या अड़ा रहा है गाइस चलो आज के 5 रुपए मिल गए नाइस वन 5 कल के 5 रुपए और परसों के 15 परसों 5 रुपए मिले थे उसके पहले भी 5 रुपए मिले 20 रुपए हो गए 20 रुपए कमा लिए मैंने गाइस नाइस 20 रुपए कमा लिए एक चाय आ जाएगी 20 रुपए में वेलकम 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 मिल रहे कल ही चेक किया था मैंने 15 रुपए हो गए थे गफूर घिसेला कैसा आ रहे भाई बढ़िया हूँ मैं कैसा था तेरा वेकेशन अच्छा था इधर क्या करो करा रहे भाई इधर आओ इसको पैसे चाहिए
क्या रे भाई मेरे को वो भेजो आपका बिजनेस अकाउंट का अकाउंट नंबर काय को मेरे को वापस करना है ना वो लोन जो लिया था मैं अरे बाद में कर रहे भाई अभी के तेरे हाथ में पैसे है क्या नहीं नहीं बैंक में बैंक ट्रांसफर कर बाद में कर लेना तू पहले जरा काम करके आ जा ठीक है कोई टेंशन आओ हो गया वैसे ले लेना मेरे को ठीक है ठीक है ठीक है भाग के आता हूँ मैं जल्दी जाके ये मिर्ची दुकान में छेरे हाँ हाँ अंदर है कब से ट्वीट कर रहा है मैं देख रहा हूँ जीत गया ठीक है ठीक है आ जा आ जा अब्बा ये तो दे रहा है आप फिर नहीं तो क्या भाई उसी पैसों से और एक मिनट टेबल खरीदेंगे समझ रहे हो गाइस हेलो भैया कैसे हो भोला एकदम बढ़िया भैया बस चल रहा है भैया काम भोला कोई अटैक हुआ रे आज नहीं नहीं भैया आज कुछ नहीं हुआ हुआ तो गांड मार देंगे कैसा है बटू रे किराक एकदम बटू तेरे को मैं काम दिया था वो हो रहा है रे उसके लिए वो भी तो देना था आपको अरे वो मोनिक्स की कांटेक्ट्स नहीं है क्या अरे मोनिक्स ने एक दी थी लेकिन वो टूट गई मेरी क्या बात कर रहा हाँ टूट गई बोले तो तू तोड़ा उसको हाँ तो वो घिसी हुई दी थी मेरे को पाएंगा तो उसी से ले फिर घिस ले ली हेलो सर अरे उसको कब से फोन करा फोन ही नहीं उठा रही क्या काउंटर देख लग रहा पाएंगा फोन नहीं उठा रहे वो लग रहा शहर में नहीं अरे काउंटर देख रहे भाई आवाज आ रही कस्टमर अच्छा, की बिरयानी के साथ सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है ना सर मिल के साथ कितने हाँ मिर्ची देख रहा है मिर्ची है मिर्च मस्त आ रहा है आज लॉक इन एम लो टोटल नौ ठीक है आजा 15 दिन की खुशी में लैम्बो ले लो बाकी गिरी सेलिब्रेशन होना हाँ 10 कर दो भाई 10 कर दो क्या आज कोई भी नहीं इधर ना रॉबिन्स है ना एक्सेलर है इसे सब पे कर दीजिए अच्छा है वो वैसे भी दुकान में ही पड़े रहते हैं दिन भर आज तुम लोग का संभाल लो थोड़ा हाँ बिरयानी के साथ आपको डिनर मिलेगा ना सर शांति 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 उसकी माँ का तो सारा पैसा वही तो बोल रहा ना ये सब हो ना तभी तो हम लोग वो घर गाड़ी ब्लैक मनी सब अरे वो सब कर सकते हैं हम लोग फ्री हो तब तो करे अभी हम लोग फ्री होंगे अब एक काम करेंगे अपन लोग अपने वाले काम नया कैरेक्टर भी कर सकते हैं वही तो से शॉपिंग चालू परा राहुल के लिए जल्दी से किराक अभी रहने लगा थैंक यू सो मच राज सोनम जी के साथ डेट पे भी जा सकते हैं वही तो बहुत कुछ कर सकते हैं What's up, Yogesh? What's up, Kajal? Bunny, what's up? Receipt kitne hai mere paas?
मित्रों 15 दिन मित्रों छिलमाड़ी भाई। बाय द वे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ तुम लोगों का डेड बाय डेलाइट और प्रोपनेट का पोल देख के। दैट पोल वाज डेड बाय डेलाइट वर्सेस प्रोपनेट। इट वाज नॉट कि तुमको इनमें से कौन सा गेम पता है, जस्ट बिकॉज तुम्हारा कोई स्ट्रीमर खेल रहा होगा। द पोल वाज डेड बाय डेलाइट वर्सेस प्रोपनेट। इट वाज नॉट कि तुमको कौन सा गेम पता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सो डिसअपॉइंटेड गाइस, सो डिसअपॉइंटेड। तुम लोग ब्लाइंडली वोट करते हो गाइस, ब्लाइंडली। क्या ऐसे ही तुम लोग इलेक्शन में वोट करते हो ब्लाइंडली? जो बंदा पता है तुम उसको वोट देते हो? फेल्ट सो सैड मैन, रियली। मेरे को एटलीस्ट अपनी ऑडियंस से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब मेरी ऑडियंस भी ब्लाइंडली वोट करती है चीजों पे, अंधभक्त। ब्लाइंड वोट्स गोइंग ऑन। अरे भैया थोड़ा गाड़ी दोगे क्या? मेरी गाड़ी चली गई। तेरी गाड़ी इधर गई? मेरी रेंट से लिया था, पता नहीं ऐसे चली गई। शायद वो ऑयल तेल लाने जाना है। लेके जा इसको, बैठ। अभी मैं दरवाजा चेक कर लेता। मिसिंग बाबा। चलो भैया। चलो नहीं चाबी ले लेके आ। चलो। हाँ दे दो फिर। मतलब लोग कितना ब्लाइंड वोट करते हैं यार। आई फेल्ट सो सैड डूड, आई फेल्ट सो सैड। लाइक वी कांट प्रोग्रेस लाइक दिस गाइस, वी कांट मेक प्रोग्रेस लाइक दिस। पीछे रह जाएंगे हम लोग। वैसे भी तो खराब होने वाला है ये। तब लाइट तो टिकटॉक वाले वीडियो भी नहीं बनाते, इतने वोट किए। वही तो। और भाई समझ में नहीं आता है क्या हो गया? अरे भाई खाने कौन आ रहे, खाने कौन आ रहे तेरे को? हिले दे रहे खाने? अरे खा रहे भाई। नाम 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 नहीं नहीं वो तो मुझे पता ही है कि ऐसा सब कुछ चलता है, पर मुझे ये नहीं पता था कि अपनी ऑडियंस भी ऐसी। ठंडा हो गया लेकिन मस्त है, समझ रहे हो तुम? मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये पता चल गया आज। अरे खा रहे भाई, खाना ही है वो भी, खाया था बाकी पाँच छः। ऐसे वो मिल्कशेक एकदम पूरा ठंडा हो चुका है। तो मिल्कशेक ठंडा ही अच्छा लगता है? खा ही नहीं सकता मैं, इतना ठंडा हो चुका है वो। वो मिल्क पानी बन चुका है।
बिल पानी बन चुका है, क्या बोल रहा है भाई तू? एकदम पूरा खत्म हो गया वो। ठीक है छोड़ माई भी तू। यो पियो पी लिया मैं दस मेरे वो दो मिल्क शेक वो पियो। डाल दे रे डाल लिया ना फिर नहीं तो क्या जा नहीं रहा है पेट में। थैंक यू रिचर्स फॉर द 40 आई स्टार्टेड इनडायरेक्टली चैलेंज टू बमचो। तू लोग का कब से काम कर रहे भाई? मैं अब भी तुम्हारा डेटास देख के आ रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे काम कर रहे। अब कोई अपने को हवला नहीं बना सकता कि मैं इतना काम करा मैं उतना काम करा। तो मैं कर ही रहा हूँ ना इस्माइल भाई, मैं तो कर ही रहा हूँ ना। तेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं मिर्शी, क्योंकि मेरे को सामने ही दिख रहा है। कुछ हुआ क्या इस्माइल भाई? जोकर दिल लेके आ गया। अरे मेरे को मैसेज भी कर दिया, दो तेल $560। अभी जो इधर बराबर से काम नहीं किया ना उसकी नलीज पकड़ूंगा मैं। इसमें भाई मेरे पैसे पूरा डेटा है मेरे पास। मेरे पैसे बाकी थे इसमें। कितने पैसे बाकी है रे भाई? 6,000 के आसपास, 6,000-7,000। ठीक है तू जाएगा ना उससे पहले ले लेना मेरे से। ठीक है ठीक है। म्यूजिकल सेट का बोलो, बुलावा रे भाई। एक बार का एक्सक्लेमेशन बुया कर दो। एक डायलॉग प्लीज आता है खाता। अरे ऐसे एकदम से नहीं बोल सकता रे, वो सिचुएशन चाहिए। मौसम ये ऑसम बड़ा, मौसम ये ऑसम बड़ा, मौसम ये ऑसम बड़ा। जाने क्या मौसम ये ऑसम बड़ा, मौसम ऑसम बड़ा, मौसम ये ऑसम बड़ा। आ भाई वसस ने जीत। ओ माय गॉड, फोटो दूसरा दरवाजा खुला रखा है क्या? सुनो भटूरे, भटूरे भटूरे। हाँ भैया, और कोई आया नहीं? तू काउंटर पे खड़ा काहे को है जब तू दिमाग में है? तब दिमाग में नहीं, आवाज इसने आ रही तुम्हारी। तुम्हारे होटल तो देख के मैं गोली खाया। फिर डाल रहे थे। मैं क्या बोल रहा, अभी थोड़े देर में कैसा बोले तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएगा। ठीक है, कौन आ रहा है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, बराबर बराबर रेगुलेटर्स। तो पढ़ लेना एक बार और देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ उसमें का एक रूल्स। ठीक है, सिर्फ अभी मैं इधर से देख रहा। ठीक है, तो इधर से अगर देखे तो जो लेफ्ट साइड का दरवाजा है वो हमेशा बंद रहेगा। ठीक है, हमेशा, कभी नहीं खुलेगा वो लाइट। ठीक है, दरवाजा सिर्फ एक ही खुलेगा राइट साइड का। दो में से एक ही दरवाजा खुलेगा भाई साहब? एक ही खुलेगा, एक ही, और ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। एक टाइम कभी नहीं खुलेगा। ठीक है, कभी नहीं खुलेगा ये। ठीक है ठीक है ठीक है। टाइम की नेम करो द 60। और बाकी सब पढ़ लेना उधर। और इस हफ्ते से रिसीटा जो है 50 से 100 हो गया है।
बेचते हैं तो कमाया नहीं अभी तक फिर कमा लो इसको भाई ये करता हूँ दोनों कहाँ से लॉक हो गए क्या वो आता ही नहीं है अभी देखो गाइस मेरा प्लान तुमको बताता हूँ मैं या नहीं बताऊँ छोड़ो नहीं बताता तुम लोग मेटा करते हो फक इट आई वोंट रिवील एनी प्लान्स वही देख देख के अटैक होते हैं इधर अपनी दुकान में कोई गया था वो फेंक के सारा वो कब क्या फेंक के गया कोई हाँ रिसाइकल मटेरियल बहुत सारा पड़ा था किधर किधर कौन फेंका पता नहीं मैं मेरे को कचरा फेंका तो मैं गया मैं डस्टबिन डाल दिया था पीछे अरे अभी मैंने ले लिया था अभी मिर्च भैया का तो थैंक यू नेम करो द 60 हेलो मैम अतरो के लिए जल्दी से क्रैक पुलाव लगाओ हाँ नहीं बताऊंगा मैं फक इट बहुत लोग ना गेंडुल भरे हुए जाके बताते हैं प्लान्स अरे मालक भैया हाँ बोलो आपने कल 4000 दिए थे ना उसमें के 1760 बचे थे कोई टेंशन नहीं अपने पास ही रखो नहीं नहीं तो आज पूरा दिन भर सामान ला लिया बहुत सारा ला लिया क्या ठीक है तो वो 1760 काट के बता देना मेरे को कितना बच गया है ठीक है बता दूंगा ठीक है मराठी सांग नाही करणार कोणाला आणि आपला मराठी माणूस ससा गेंडूल निघाला तर मग काय इकडे आरपी मध्ये कोणी कोणाचं नाही सगळे नुसतं चुत्यागिरी करतात अजून काय नाही इकडे कोणाचं काहीच नाही कोणी माणूस कोणाचंच नाही आहे असं बोलायचं आहे मला पण चलो एक काम करते है एक साइड डिश क्या लाय उसको क्या चाहिए लीना को पेडिग्री चाहिए पेडिग्री क्या डिजर्ट बनाओ साइड डिश बनाओ ये इसका जो प्राइस रहेगा ना ज्यादा रखने वाला हूँ मैं इस फूड का बस भी लाइक 99 या उनका कोई इवेंट है डॉग का इवेंट है तो उसने बोला है कुछ खाना चाहिए उसको मुझे बात बताओ भाई लोग कुत्ते क्या खाते हैं कुत्ते हाउ हड्डी खाते रहेंगे अरे हड्डी नहीं यार पेडिग्री खाते हैं तो पेडिग्री में क्या क्या रहता है वो सब जो वेस्टेज बटर रहता है चिकन मटन का उससे बनता बोला तेरे पास कुत्ता है क्या इतना जानता तू अरे हम जहाँ काम करते थे ना भैया वहाँ बहुत सारे कुत्ते थे क्या तू खाता था नहीं हम सर्कस में काम करते थे वहाँ बहुत सारे कुत्ते अच्छा वैसा ठीक है हाँ कैसा बोले तो तुमको लीना मैडम मालूम है ना तो लीना जी बोली कि ऐसा इतवार के दिन कुछ तुमका इवेंट आया कुत्ते का तो उनको कुत्तों के लिए खाना चाहिए
तुम्हारे बोला कुत्तों को बर्गर खिला दो, उसमें क्या बड़ी बात है, उनको क्या मालूम। तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं खिला सकते क्योंकि कैसा वो ब्रेड बूड खा के उल्टी कर देंगे बोल के। तो कच्चा मांस खिलाते तो उनको, फिर मैं बोला उनको चाय बिस्कुट खिला दो, तो बोल रही है वो बिस्किट आके वजह से उनको पतली टट्टी आ जाती। तो दूध पिला दो। दूध पिलाओ। हाँ भटूरे कितने कितने कुत्ते पाला है तू? अभी तक तो जीरो। दूध पिए तो भाई इधर से पिए कि उधर एक नंबर निकल जाएगा। हाँ तो तू पीता तो तेरा भी निकलता ही ना, पीना छोड़ देगा क्या? नहीं हम तो ये खाना भी खाते ना। एक काम करो, कुत्तों को दूध पिला पिला के चूतिया बना दिया है कुत्तों को, एक से एक सलाद खिला दो सलाद। फिर बोलते हैं कि ये कुत्ता जो है बेटा भाव भाव क्यों करता, उनको उनको भी अच्छे से खाना देना पड़ता। मैं बोल रहा हूँ सलाद खिला दो। तभी तुम गाड़ी लेके निकले गली, कुत्ता भौंका क्या तुम्हारे मेरे पीछे गाड़ी पे? गाड़ी पे मैं ऐसा एक बार मालूम हैदराबाद में ऐसा नाइफिस खटा मार रहा था, तो ऐसा मेरे पीछे कुत्ता लग गया, तो कुत्ता ऐसा मेरे पीछे आ रहा भाई गाड़ी भगा रहा। मेरे पास वो था करिश्मा समझ रहा, मैं भगा रहा कुत्ता मेरे पीछे, मैं फिर भगा रहा कुत्ता मेरे पीछे, मैं बोल रहा है तो थक ही नहीं रहा है। फिर मैं गाड़ी रुका दिया, फिर गाड़ी रुकाते ही वो भाग गया। कैसा अभी ऐसा ही चेक मेरे लाइक उसको भागने का मजा आ रहा होगा। मैं और मेरा दोस्त रात को थोड़ा एक काम करके वापसी आ रहे थे, दिल्ली की बात है बराबर। रात को ऐसा 3-4 बजे था, हमारे पास एक गाड़ी थी काली पल्सर, उसके ऊपर एक कुत्ता भौंकने लगा भौ 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 भौ। स्क्रैम्बल एग्जिट कर रहे हैं अपन लोग, गाड़ी थोड़ा रुकाए तो दो कुत्ते थे हमारे राइट साइड में आके भौ 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 करे जा रहे, गाड़ी रुका दिए तब भी भौ भौ कर रहे। अपन ने हल्लू से अपना लेफ्ट वाला काया और राइट वाला पाँव हटा के गाड़ी कुत्ते पे छोड़ दिए, दोनों दब गए माँ की। उसके बाद गाड़ी उठाए तो दोनों फरार। आजकल भटूरे तो कुत्ते भी दबा रहे। गाड़ी उठाए, जैसी गाड़ी उठाए ना कुत्ते दोनों फरार। उसके बाद से जब भी अपन उस गली में जाते थे ना, कुत्ते एक बार ऐसे हल्लू से गर्दन ऊपर को उठाते गाड़ी देख के। इसका मतलब तू बोल रहा कि तू ब्रेक चेक डाल लिया? ब्रेक चेक नहीं डाला रे, ऐसा बाइक का रुका दिया ठीक है। अभी कुत्ता दूर से भौंकता हुआ आ रहा है, अपन गाड़ी चला रहे भौंकता रहा, अपन मैं बाइक रुका दिया, कुत्ता तब भी बगल में भौं 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 करे जा रहा। मैं 2 मिनट तक गएगा कि अभी चला जाएगा अभी चला जाएगा, नहीं गया। मैं ऐसा ऐसा खड़ा है तो अपना राइट वाला पाँव ऊपर उठा के लेफ्ट वाला पाँव टिका दिया और हैंडल छोड़ दिया, बाइक उसके ऊपर गिरा दिया। दब गया साला। कभी तो ऐसा करा है क्या कि तेरा एक बहुत जान पहचान का कोई डागी है ठीक है, वो डागी को जो है ऐसा छोटे लोगों पे छोड़ देने का, छू छू बोल के। हाँ ऐसा छू 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 ऐसा बोल के। एक डॉगी था उसको छू बोलो, किधर जाता ही नहीं था, किधर जाता था वो तेरे पास ही आता रहेगा, किधर नहीं जाता था माँ की। इतना छू बोलो उसको, कुछ उसको लग रहा ट्रेनिंग बराबर नहीं दिया था, प्रोटीन मिलकर बिस्किट अपनी गली में रहता था लेकिन जानता था अपने को, बिस्किट वगैरह खिलाते थे अपन उसको, उसको कभी बोलते थे ना शू शू ऐसा गर्दन घुमा के वापस अपनी तरफ मुंह उठा के देखने लगता था, अलग इग्नोर मारता था। अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं भैया, तुम छू छू बोलो भैया एक बार, इसको भगाना है क्या बोल रहा है भाई तू, बोल रहा मेरे को भगाने को, नहीं तुम बोल के देखो एक बार भैया छू छू ऐसा भी प्रैक्टिकल करके देखे हमने। लगता है भोला कोई सिक्योरिटी पे रखना पड़ता आगे अब। तो अपन लोग आ चलो बैक टू टॉपिक्स। और वो जो था ना वो जो जसू करने पे नहीं जानता था, उस कुत्ते का नाम मालूम है तुमको? नहीं। साधु नाम था उस कुत्ते का। क्या बात कर रहा है साला, सच में साधु था बचपन में, साधु था तेरा? साधु नहीं, तेरा साधु होगा तो मेरा डाकू था। पिचकारी मार के छाप छोड़ के आता था। अरे तुम बार बार बोलेंगे तो इतना कहां से लाता था वो? सारे सारे पोटो की बाइका पे उसके छाप थे। नहीं। कोई नई बाइक दिखी अगर घर पे आते हो, कोई नई बाइक दिखी
तो उसके ऊपर भोसड़ी के भा ऐसा भैया उसको ट्रेनिंग आपने किसने दिया था भैया आपने दिया मैं दिया था उसको हाँ मैं समझ नहीं तो क्या मेरे एक दोस्त के पास एक कुत्ता है ठीक है वो है क्या बोलते हैं पग ठीक है वो क्या करता है कोई भी घर पे आता है उनके जूते खोल के अंदर जाता है जूतों में जाके मुत के चला आता है वो अरे तो भैया जूते की बात आते होंगे ना इसलिए अच्छे जूते रहेंगे तो नहीं करेंगे जूते मुत देता था वो जूते में आता है ठीक है जूते में मुतता है फिर चला जाता है अरे उसको जूते में मतलब बाथरूम की फीलिंग आती है मेरा 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 डाई क्या करता था मालूम जूता लेके गच्ची पे जाके घैप घीप घैप घीप घैप फिर नहीं तो क्या पूरा जूता कुतर देता था वो जूते के साथ घाप घीप दांत से रे भाई दांत से अरे दांत से रे भाई अच्छा दांत से अच्छा भाई अच्छा माफ कर पांग करना है रे भैया तुम्हारा कुछ ठीक नहीं लग रहा जब तुम बंदूक देख रहे थे क्या क्या अरे वो बंदूक ही देख रहा था अरे बंदूक ने दुकान देख रहा था मैं हां मैं समझ गया भैया फिर नहीं तो क्या फिर जो ऐसा गेस्ट आते थे ना वैसा फटेला जीलेला चप्पल बन के जाते थे घर वापस कैसा है अभी मस्त ये कुत्ता मेरे को होना पूरा टिरेनिन जो है मैं दिया था उसको ये इसलिए मैं था बदमाश हूँ हाँ फिर नहीं तो क्या बचपन से चालू अपने धंधे जूता काट कुत्ता फिर तुम मालूम है ना यार वो उस टाइम पे ज्यादा वो टीवी भी रहता नहीं था अपन ऐसी काड़ा कर देते ना फिर हाँ ऐसा काम बहुत किया अपन फिर आजकल के पोटे क्या है मोबाइल में सिर्फ ऐसा ब्लिप 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 करते रहते बस दूसरों को देख के अपनी जिंदगी कितनी बेकार है बस उसी को एनालिश करते रहते कि इसका जिंदगी देखो कितना अच्छा है स्क्रोल्स इसका देखो जिंदगी कितना अच्छा है स्क्रोल्स इसका जिंदगी देखो कितना गंदा है अरे वाह 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 मेरा जिंदगी तो इससे बहुत अच्छा है इसी में दिन निकल जाता स्क्रोल्स बस हो गया फिर सुबह से शाम रात कि काश मैं भी कभी स्क्रॉल कर पाता ऐसा ऐसा मोबाइल खोल के देखना कि चलो किसकी जिंदगी में आज आग लगी हुई है देखते हैं थोड़ा खुश होते हैं इस्माइल भाई इतना टाइम रहता ना तो मेरी जिंदगी भी और आगे हो जाती समझ रहे तो अरे मैं आजकल की बमचू की बात कर रहा रे भाई वही अपना टाइम तो निकल गया समझ रहा रे अपनी अपन सही टाइम पे निकल लिए सही टाइम था वो काश वो दिन वापस आ जाए अरे इस्माइल भैया तुम बचपन में लपन छुपन खेलते थे क्या फिर नहीं तो क्या बोले हम तो क्या खेलते थे हमारे एरिया के दोस्तों के साथ जाओ जाओ थोड़ा सा आगे देखो कस्टमर आया है एक बार देखो मैं जा रहा इसलिए रील्स वाले बढ़ रहे हैं यहाँ एक लड़की है तो इसलिए गया नहीं तो मेरे को जाने को बोलता है ये इस्माइल तो मेरे भाई भी डिस्कस हो रही है हाँ पोटे आज बहुत लड़की लड़कियां खड़ी है कल का और आज का मिला के 7840 हो रहा तो 7800 दे देना आप देखो ठीक है वो काटा ना तू 1760 सब काटा कल से कल भी लाया था मैंने सामान और आज भी बाकी सब लेके आया ठीक है दे दो मदर को पैसा आराम से कोई टेंशन नहीं भैया हाँ मेन टॉपिक एमसीबीजी दिस इज द रियलिटी शेट ऑफ दिस टीनेजर या दिस जनरेशन मेरा तो 40 हुआ है आप मेरे को 6500 ही दे देना जी है दादा गफ्फूर घिसेला सा कैरेक्टर चेक केला है का नहीं मैं आज करूंगा आज मेरे पास बहुत टाइम है मैं आज करूंगा उसको चेक आज बोलो जब बुआ पे शिफ्ट होंगे ना तब थोड़ा सा रिसर्च करते उस कैरेक्टर के बारे में गाइस मेरे पास और एक नाम आया है मैं तुमको बताऊं कल रात को ही सोचा मैंने बताओ क्या थोड़ा सा पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा बट ये नाम है देखो मैं तुमको लिख के बताता हूँ ये देखो ये नाम है अरे वापस आए यस सर यू हैव समथिंग
like sweet, like ice cream, other than it. Do you like to have a milkshake? No, like apart from milkshake, any dessert, like if. Yeah, Rajbhog. अरे एक ही ऑप्शन क्यों दे रहा है? Don't you have cakes or something like anything? हाँ है केक है केक है केक है अपने पास रुको लेके आता केक है सर. Yeah, we have cake. इसको बहस किया मेनू भी नहीं पता है माँ के क्रिक क्रिक एक्सेंट मेरा नॉर्मल रहेगा नॉर्मल एक्सेंट बट हाँ गफूर की सेला अपन देखेंगे कैसा कैरेक्टर है. ये लो केका डाल लिया राजा अभी जा राजा अभी जा हेलो अरे क्या बोल रहे रे भाई माइनिंग ये क्या है ये ड्रैगन है माइनिंग हूँ वो अरे मैं पूछ रहा था आप उधर हो. अच्छा हाँ मैं दुकान में छू दुकान में छू मैं हाँ मैं आ रहा हूँ बस मैं अभी खाना लेके गया था तो आप थे नहीं वहाँ पे. अच्छा अच्छा मैं शायद वो बैंक इसलिए 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 हाँ वो इसीलिए बैंक गए होगे आप ठीक है मैं आता हूँ फिर ठीक है ठीक है आराम से आओ. राजा घिसेला और वो पैड होगा या नॉर्मल कैरेक्टर होगा? अरे मुझे आना तो चाहिए ना गुजराती मुझे नहीं आती ना. पैडी होना है नॉर्मल होना स्पल भाई बाकी बंदे किधर है? अरे कौन होना रहे भाई तेरे को? अरे थक गया मैं 8 घंटे से इधर ही खड़ा हुआ हूँ. तो आराम करना भी इधर कौन बोल रहा है तेरे को काम करो और दुकान बंद हो जाएगा ना फिर उस्मान भाई. तू अकेला काम नहीं करा दुकान बंद हो जाता. एक कस्टमर आया ऑर्डर ले ले मेरे को आवाज नहीं आ रहा किसी का हेलो हेलो हेलो. अकेला अगर करेगा भटरा कितना देर कर पाएगा उस्मान भाई? वो सोच आवाज नहीं आ रहा मेरे को किसी का कान खराब हो रहा है. अरे आ रहा है रे भाई आ रहा है आवाज आ रहा है जबा जबा आवाज नहीं आ रहा जबा. अरे आ रहा है रे भाई. अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा जबा. हेलो 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 ठीक कर दीजिए ज्यादा पैकेट खाए सो मैं जबा. हेलो 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 जबा 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 ये लीजिए सर. गंगाधरी भटूरा है क्या? नहीं 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 भटूरे का एक ही कैरेक्टर है भटूरा. योर मिल सर. राजा जोकिरे मराठी हिंदी मिक्स. यो हैव अ नाइस डे. अरे मैंने कुछ ज्यादा चिप्स के पैकेट खा लिए अचानक से. तेरे के साथ भी हुआ क्या? अरे मिर्च भैया ओ मिर्च भैया अपन गुपचुप रखने के अपन गुपचुप रख सकते अपनी दुकान में क्योंकि पानी पूरी लाल बहुत रहती है आजकल. गुपचुप क्या रहता है? क्या होता रे भाई गुपचुप? पानी पूरी होता रे भाई पानी पूरी लवर. इसकी मैं क्या गुपचुप का गुपचुप का बोलते हमारे इधर बोलते महाराष्ट्र में. हमारे इधर तो फुचका बोलते फुचका. फुचका गोलगप्पा समरा दिल्ली के बेस्ट गोलगप्पा गुपचुप. कलकत्ता का कभी खा के देखा? पानी पूरी. अरे मैं तो बोल रहा हूं मालक भैया एक हो रहा है अपनी दुकान में रख दो. आ जा रहा हूं जा रहा. अरे अरे भाई ऑफिसर हाउ आर यू हाउ आर यू ऑफिसर? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ ड्राइव थ्रू इफ यू ब्लॉक इट? बिकॉज़ इट्स नॉट फंक्शनल येट. What do you mean it's not functional? I've been using it every time I come here.
Officer, why are you shouting, officer? Why are you shouting, officer? Why are you shouting? Mr. Bahai, why do you have a drive-thru if you're going to block it with not your... Working, not working. What do you mean not bad, working? Bad. I always go through it. It's not working. It's bad. Not working. I always go through it. The fuck you on about? That's how do I get out of here quickly? Puck, not working. Puck. Well, that's not fucking good enough. Get it working. Not fucking. That's like police not doing their jobs. I'll take two. Yeah, two I'll drive meals. To the same as police. Yeah. What? Two murder meals. Money shot. All right, money shot. And hurry up and get fucking drive through working so I can use that again. Oh my god. There you go, sir. You can pay a bill. Yeah. इसे बहुत मजा आता है मेरे को यार डिलीवर के साथ यू कैन पिक अप सर योर ऑर्डर हैव अ नाइस डे अलर्ट पुलिस कर दो क्या भाई वेयर आर यू गाइस अनदर वेजिटेबल जूस या मनीष शॉट मील्स कम विद द वेजिटेबल जूस What do you say? Money shot meal comes with vegetable juice, sir. It's a proper meal. Can I kind of swap it for two sodas? कर सकते. एक soda. One soda. मतलब जो भी drink है वो कर सकते. Swap कर सकते. Two sodas. All right, sir. Punch him again. अरे काय को मारा मारी कर रहे भाई तुम्हें से एक बंदा पीछे आओ दो बंदे का खड़े उधर तुम्हारा डीएनए गिर जाएगा फिर नहीं तो उधर I want two swords not one no I can swap only one sir what do you mean you can only swap one one meal one drink यारो Yeah, I ordered two money shots, two murder meals. Okay. Fir saab. No problem. Okay, no problem. Hai kya dar kirak soda? Nahi hai to de tu mai bol. Khatam ho gaya, khatam. Bana raha. अरे क्या है रे भाई बना रहा ना मैं अरे हम हट जाते हैं धक्का मार रहा है मैं गिरी must be burger shop must be down bad if the owner is serving food no owner it's my shop yaro it's my shop I mean doesn't he own it yeah it's well by his own yeah exactly yeah, no, that's yeah. what I mean if he hey, he if loves to cook he loves to cook food that's why he's cooking I love my shop yaro I love my shop yeah you understands huh I love my shop looks like you barely have anyone around yeah, you can pick up your soda sir sweet appreciate it have a good day guys okay thank you sir you too sir have a hey, nice Mr. Bahai you like my hair transplant ha kirak dalia I got more hair than you you looking likes one cute angle no tell me about it Hans said I look ugly as fuck But he's just jealous because I got dreadlocks. Hans not appreciates beauties. Yeah, exactly. Hans is just ugly. You look like a fucking angel. Q2. What the fuck is angles? Who? Looks like angles. Angles? What, like rectangle, square angle? No, those fucking angles. Those peri. Cute angle. Cute angle. Okay. Yes. Have a good day, guys. You too, sir. Have a nice fucking day. हेलो भाई लेकिन इसके बाल तो लैंडी जैसे दिख रहे थे ना तो क्यूट काई को बोल ले अरे ऐसा बोल के कस्टमर को चढ़ाना पड़ता समझ रहे तू ठीक है वैसे लैंडीज थे ना नहीं दिख तो वो लवड़े की चकल का है वो और एक अंग्रेज आया था पता है ऐसे फकिंग कर रहा था मैं उसको सब कुछ फक कर दिया उसका टेंशन नहीं है मेरे को बुला रहे भाई संभाल ले तू अरे तब मैंने उसका सब पूरा फकिंग निकाल लिया मैं उसका फकिंग निकाल दिया पूरा उसका Thank you, Dr. X, for the 40. The ball movie character Venu Gopal, a year think about it. उसका accent ही आता रहे. फिर नहीं तो क्या?
अब वो बंदे ने बोला ना पानी पूरी लवर ऐसे 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 वो बंदा इस्माइल भाई ऐसे बोल रहा है कि वो बंदा बोल रहा है कि गिव मी टू फकिंग मर्डर मील ठीक है आओ तो एक बंदे ने क्या बोला पता है क्या उसको चोदने वाले दो मील दो अरे बहुत गंदा गंदा बोल रहे थे भैया वो खतरनाक यही है कस्टमर बनाना है यही अपना भविष्य क्या बोलूं मैं इस्माइल भाई क्या बोलूं मैं फुल बसर हो गया इंटरनल भाई दुकान पे सुसु करके आया हां 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 अरे जा रहे भाई इतने में हो भी जाती तेरी हाथ धो के आना भैया अरे 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 ये बढ़िया था गुरु बैठो कुर्सी देंगे आपको अरे हाय मेरे पास है ठीक है बैठो बैठो आज बाय द वे गाइस वो हाईलाइट डालूंगा मैं थैंक यू एसवीआरपी वाली तुम लोगों की सुबह ओ माय गॉड परी भी एक है शहर में उनको परी भी को बुलाता है इसे देखिए देख तू देख तू कितना ठंडा है इधर बर्फ पड़ा हुआ है पारस वो सब ना वाइटली सर्वर में सोच सकता है यहाँ पे लिटरली बुलशिट गिरी हो रही है समझ रहे हो तुम यहाँ पे जो फालतू के हर उसके अटैक होते हैं दैट इज नॉट आरपी एंड जो लोग अटैक करते हैं उनको सोचना चाहिए नॉट अस परी हेलो किधर हो यार हो मैं शहर में हूँ क्या क्या हुआ तू शहर में हो मैं भी शहर में हूँ कैसे आप मैं तो आया इधर मैं सोचा कि तुम दुकान पे रहोगी तुम होइश नहीं इधर मैं आज शाम को बहुत देर काम की उसके बाद मैं ऑफ ड्यूटी गई हाँ ठीक है ठीक है आज शाम को वो थे मिर्ची था हबीबी था और डी भी था एक जोकर भी था कोई हम सब लोग ने बहुत देर तक काम किया वहाँ पे फिर मैं चली गई फिर उसके बाद पता नहीं वो लोग तो होंगे ना वहाँ पे अभी भी हाँ ये लोग तो अभी भी इधर ही हैं हाँ कोई बात नहीं मैं कैसा तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए तुमको फोन करा ओ अच्छा आज सोनम जी के साथ नहीं हो इस्माइल जी क्यों मैं क्या सोनम जी के साथ ही घूमतू क्या मुझे लगा शायद किसने कान भरा तुम्हारे साथ दिखती मैंने देखी आज भी वो आई थी पता है उसको फ्री का खाना मिलता मेरे को तो आज तक किसी ने फ्री का खाना नहीं दिया कौन दे रहा उसको फ्री का खाना वो दिया था उधर में कोई तो कौन कौन नाम बता मेरे को तुम एंड मेरे को तो सुनने में आया कल किसी को 6,000 का फ्री का खाना दिया गया है हाँ किसको पता नहीं कोई लड़की को दिया गया था सुनने में मुझे भी हाँ अरे तो कौन करा ये तो बताओ मेरे को नाम नहीं याद में आ रही ना मैं भूल गई हूँ पर मेरे को ये सब बातें पता चली है तो मैंने बता दिया आपको अब ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा तो मेरे को बताओ सुनने में आई है तुम बताओगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा फिर मेरे को नाम नहीं ध्यान में आ रही पर जितने भी लोग वहाँ पे अभी है ना उन्हीं में से किसी ने मेरे को बताई है ठीक है मैं पता करता ठीक है जाओ भाई ये परी बोल रही है कि कोई किसी को तो 6,000 का खाना फोकट में दिया बोल के 1,000 का हाँ परी बोल रही है मेरे को कौन दिया उसको कब आज परी किसको कौन किसको 6,000 का खाना दिया कोई तो किसी को तो ऐसा 6,000 का मुफ्त में खाना दिया बोल के 1,000 का जब आया तब तो परी थी नहीं इधर ठीक है रुको उसको फोन लगाता वापस
वो खुद ही खाना उठा के भगी इधर से, वो बता रहा मेरे को क्या बात कर रहा है। हाँ, दो मटर मील और क्या क्या लेके गई थी इधर से जाते हो? क्या चार पांच लेके गई थी सर। हाँ, वो खुद खाना लेके गई इधर से जाते। जी स्मेल जी, क्या तुम अभी थोड़ा आ सकते हो मेन ब्रांचेस पे? क्या हुआ? एक प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा आ सकती हो क्या तुम? मैं शहर के बाहर की ओर हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम लग सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लेके आ। अर्जेंट है क्या? क्या हुआ, क्या बताइए? अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, आप टाइम लेके आ जाओ। ठीक है ठीक है, मेरे को टाइम लगेगा। ऑलराइट ऑलराइट, ओके ओके। कौन था? डी था ना रॉबिन, जब मैं आया था ड्यूटी करने तेरे साथ। इसका आवाज यार आपको आ रहा है क्या? आ रहा है, बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ, जब मैं ड्यूटी करने आया था तब तेरे साथ डी था ना? डी था, परी असुना थी और परी आई थी, फिर चली गई परी। हाँ, वो आके वहीं पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी बदल रहे हैं। एक चिकन बिरयानी विदाउट चिकन एंड डबल कुर्बानी का मीठा डालो सीओ साहब। असुना नहीं बोला मेरे को कि परी ने कुछ खाना लेके चली गई, वो काफी सारा खाना लेके गई। हाँ, पांच छह लेके चली गई। खाना लेके गया असुना? कौन है इस बात का, तुम्हारे पास कोई सबूत है? असुना 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 ने नोट किया था कि उसके ज्यादा लेके, असुना ने बोला कि मैंने रखी थी बट वो ले ली किसी ने। कौन है ये चोर? कौन है ये चोर? हे असुना, और एक बात इधर आ, कैन यू कम बगर शॉट फॉर अ फ्यू मिनट्स? कौन चोरी कर रहा है खाना? अरे वो आओ ना थोड़ा, अरे काउंटर में जाओ, काउंटर में जाओ, काउंटर में जाओ। अरे इस्माइल भाई आए बुला रहे, तो थोड़ा 5 मिनट का टाइम। मैं थोड़ी बुला रहा उसको, वेंचर्स हर जगह पे मेरा ही नाम चिपकाते लोग। अरे वो परी में भी सुनो, पहले परी। हां हाँ, ये मेरे को एक बात बताओ, ये डी मेरे को बोल रहा था कि एलिक्सर और आपने डी को बोला है कि सोनम जी के लिए सब खाना फ्री है? कभी कभार, समझ रहे? कभी कभार। हाँ, तो आज वो मर्डर मिल लेने को आई थी तो मैंने बिल बना दिया उनका, उन्होंने पे भी किया। ठीक है, तो फिर मेरे को डीजल अलग से लेके जाके बोल रहा है कि उनसे अगर कभी भी खाना वो मांगने को आती है तो उनको बिल मत बना, उनको ऐसे ही दे दो बर्गर शॉप की तरफ से। तो परी थी मेरे बाजू में, तो मैंने, हाँ सुनो, परी थी मेरे बाजू में तब, उन्होंने सोनम जी ने दो मनी शॉर्ट मील मांगा था मेरे से, तो मैंने वो दे दिया। ठीक है, फिर क्या, कुछ नहीं। तुम लोग आप बोल रहे हैं कि परी जो है उसने 5 मर्डर मील छुराए है, बराबर? हाँ, फिर असुना ने बोला कि मैंने यहाँ पे मर्डर मिल रखा तो वो परी ने ले लिया होगा, असुना बोल रही थी। कोई बात नहीं, मैं रूल्स पूरा बनाया हूँ, देखते हैं कौन कितना फॉलो करता है उसको। ठीक है, और ये अब मैं क्या बोल रहा, मैं क्या बोल रहा सुन, एक्सचेंज करना है कब? क्या अब आपने बोला था ना कि 100 का 12,000 देते आप? अरे फिलहाल जमा कर रहे भाई, दे दो ना तेरे को, मैं देना पड़ता है ना रॉबिन को थोड़ा थोड़ा करके। वैसे रॉबिन मांगा गया था हॉलीडेज पे, गया था मैं। अरे नहीं नहीं, वो मांगता नहीं है बट मेरे को देना है यार, मेरे को दे देना है उसको। उसके पास भी बेचारे के पास भी पैसा नहीं है। ठीक है, कितना रिसीव? पूरा दिन काम करके मेरे पास, मैं 100 का एक्सचेंज कर लेता हूँ, अभी 100-100 करके एक्सचेंज करूंगा मैं। 100-100 करे करेगा? हाँ, पर जो पिछले हफ्ते का जो 50 है वो कौन देगा फिर? हाँ वो दे दूंगा मैं। क्या कर लेने दो इस्माइल भाई, एक तो इस्माइल भाई 8% का 20% कर देते, 8 घंटा 9 घंटा काम करता हूँ फिर जाके थोड़ा कमाता हूँ मैं, दो दिन काम करने तो 50 दे देता मैं। तू मेरे से अगर पैसा लेता उधारी में तो तेरे को 15% देना था, बराबर? अब तू उससे लेके गलती कर दिया। अरे 15% नहीं इस्माइल भाई, आपने बोला था 10% ही दोगे, ठीक है? तो फिर वो बोल रहा है कि मैं तो 8% दे दूंगा, तो बोल रहा है कि 8% में दे रहा है तो ठीक है। 2% के लिए तूने उससे पैसा ले लिया? अरे जल्दी था, मेरे को खरीदना है समझो, वो गाड़ी खरीदना है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता गाड़ी। तेरे को मालूम समझ, मेरे से 1.5 महीने पहले पैसे लिया था, अभी तक वापस नहीं कराया, मैं उसको बोलता भी नहीं वापस करने को। अगर तू मेरे से लिया होता तो तेरे को और थोड़ा सा मैं ढकेल देता आगे। फेवरेट रहे हैं मेरे, समझ रहा? वो पता, अरे वो रॉबिन मेरे से मांगता नहीं है बट मैं उसको दे देता हूँ। लाइक अगर आप भी मेरे को देते मैं भी आपको दे देता, मैं ऐसे उधर रखता नहीं हूँ। उधर के कारण बहुत दिन वेस्ट हो गए मेरे, तो उधर रखता हूँ नहीं मैं। अच्छा ठीक है, तेरे पास कितने रिसीट आया बोल?
अभी 100 100 ही छे नहीं उससे ज्यादा है होटल पे रखा है मैंने कुछ कुछ और अभी और जाके 100 रखूंगा होटल पे तो अभी फिलहाल 100 का करूंगा मैं ठीक है 100 का करेंगे बराबर हाँ ठीक है दे मेरे को 100 अरे इधर मत डाल गायब हो जाता नहीं कहाँ डालूँ फिर ये रुजामा इसको खोलता पहला इसमें डाल दे डाल इसमें स्टोरेज ना आओ खोल नहीं पा रहा खोल नहीं पा रहा अरे तू हाँ हाँ खोल दिया खोल गिर गिरी ये ले सामने भाई दे दिया चलो मेरे सोने का टाइम हो गया अभी अरे सोल भाई क्या सोने का टाइम हो गया ठीक है रुक मैं थोड़ा पैसा लेके आता ठीक है हाँ इधर ही रुक और उसका भी दे दो एक ही बार में किसका दे दूँ अरे जो सामान मंगवाया था लेके आया ना ठीक है ठीक है उसका बोल रहा मैं कितना हुआ कितना हुआ उसका देख तेरे को 12 तो इसका देना है मेरे को ठीक है हाँ इसका 12 देना है और उसका देना है 6.5 हाँ ठीक है लेके आ रहा बैंक जाके आ तू आए अब सूटकेस को लेगा दैट्स राइट दैट इज राइट वही होने वाला है अभी अभी सूटकेस को लेगा ये सी क्या है डूड नया आइटम दिख रहा है कुछ तो अच्छा उसकी बिल्डिंग आ गई क्या ओ दैट्स ऑसम डूड मिर्च इज अरेस्टेड बाय जिमी ना 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 इम्पॉसिबल 20,000 इज नथिंग ब्रो रॉबिन शेट्टी पे आ गया सही है भाई बाहर गोलियां चल रही है वेरी गुड चलो हो गया हम लोग बैंक से आ गए गाइस हम लोग बैंक जाके आ गए कौन सा बैंक ब्लैक मनी बैंक वाला फिक्सर कैश विड्रॉ बैंक ऑफ अपार्टमेंट
Not in my eyes. नमस्ते नमस्ते मिर्ची, तुम्हारा क्या बोल रहा परिगो? अभी तो वो सुन आ रही है, असुना कैंटी कैंटी तो उसको बुला रही है। असुना असुना को सामने, परिगो सामने लाओ। कितना हुआ तेरा? असुना आ रही है। हुआ हां तो परिगो ही बुलाता फिर। आ गए ना असुना? आ गए चोरी। बुला बुला ले। बुलाता फिर 18,500। भैया सामने सामने करना फिर भाई, वो अन्य वाली बात हो जाएगी फिर। थैंक यू सल भाई। अरे होने तो अपने हो गया। क्या हुआ? अरे यार सुनो बस, वही चीज कंफर्म करानी थी इस्माइल भाई को। अपने बोला था कि वो जब खाना बना के रखा था। ये देखो इसका अपना मर्डर मील का ऑर्डर था। हां ठीक है, जस्ट प्राइस बना के रखे थे 10 एंड 6 हार्ट स्टॉपर बनाए, तीन ऑर्डर वाले ठीक है, एंड तीन रखे हुए थे मैंने इसमें, एंड फ्राइज भी रखे हुए थे। ऐसा मतलब टोटल 7 फ्राइज बचने चाहिए उसमें। क्या बराबर 1 लाख उतना नहीं है। छह वो भी रखे हुए थे अपना, वो क्या बोलते हैं सैलेड मैंने सब बना के रख दिया। और उसने ऑर्डर दे, उसके बाद मैं उसका देखा तो परी बेबी बोल रही थी जा रही ऑफ ड्यूटी, मेरे को नहीं चाहिए ये सब वो ये वो। एंड इसमें से वो खाना मैंने उसको उठाते हुए देखा, मतलब लेजेट उठाते हुए ऐसे देखा मैंने उसको उठाते हुए बस। एंड ये मैंने मटोरा को सो कि उसने चोरी किया है खाना, मतलब चोरी किया है कि नहीं पता नहीं, मतलब काफी खाना एक्स्ट्रा एक्सेसिव मटेरियल लेके गई ना, मतलब ऑन ड्यूटी भी रहती तो भाई एक एक दो दो खा सकते ना अपने को जितना भूख लगा। ऐसा थोड़ी के 5-6 पैकेट उठा के दिखाए वो। बुला उसको, मैं बुलाया उसको, पर लीजिए एक बार तुम ही फोन लगाओ। उठाने दी किसने करा? वो बोली थी मेरे को कि शहर के बाहर थी वो। ठीक है, चोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दुकान के अंदर, बिल्कुल। देखो बटूरा देख, सच में तू देखा था ना मैंने बना के रखा था सामान अभी। हां वही तो मैं कह रहा हूं, तुमने नोट किया उसका, हमने चेक किया था ना, डी तुम और मैं, हम तीनों थे उस टाइम पे इधर, मैं काउंटर पे खड़ा था जब। हां मैंने जस्ट बना के रखा था खाना, और इसने बोला भी तो हमने उस टाइम पे फिर इग्नोर नहीं कर दिया कि चली गई वो करके। लेकिन करा कोई मैनेजर भी नहीं था। ओए परी बेबी, चोरी होने लगी, चोरी हर रोज परी को ऑलरेडी पकड़ा था। नहीं परी, परी बेबी चोरी हर रोज। मैं डी की बात कर रहा हूँ, डी को मैंने डी ने क्या किया सामने समझाया। अब डी ने क्या करा? Yes, नहीं वो 6 फ्रेंच फ्राइज लेके जा रहा था, बस आके ही लेके जा रहा था, तो मैंने उसको रोका था कि उसको चार्ज करो, उसके बाद तुम पैसे नहीं ले। मैं कभी भी इधर से खाना लेते हो ना तो उधर खुद का चार्ज मैं डालता पे करके लेके जाता। वही तो वही चीज सब होता है ना, बिग करते हैं वो तो हम भी करते हैं। दैट इज सपोज्ड टू हाउ इज सपोज्ड टू बी, हाउ तो हम भी करते हैं। अरे कोई नहीं, We'll decide. हम कुछ बात करेंगे इस बारे में, and we'll guys let you know कि staff पे थोड़ा discount कर देंगे तुम लोग के लिए, but yeah, वो सिर्फ तुम्हारे लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज़्यादा लेके जाओ। मेरे को discounted rate में मिल रहा है, मान लो मेरे को 150 का बर्गर 70 रुपए में मिल रहा है, मैं इधर से 70 का खरीद के बाहर जाके कहता हूँ कि 150 का 100 में बेचा, वो भी गलती है ना। वही तो बात है ना, मैं इतने का उतना तुम्हें सामान दूंगा नहीं ना। मेरी बात यह है कि मैं काम जब करता हूँ ना, बहुत देर से काम कर रहा हूँ, तो मेरे को बीच बीच में भूख लगती है बहुत जोर की, तो एक तो खा लेता हूँ, तो उसका पैसा देना पड़ेगा क्या? मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जाते हुए जा रहे हो लेकर, देखो काम करते हो एक आधा खा रहे हो चलता है, क्योंकि तो हमारा ही काम करो, चलो थक गए मान लिया, पर जाते हुए चार पांच मर्डर मिल लेने जाना कोई तुक नहीं बनता। नहीं, 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 तो ये थोड़ा ज्यादा ही है, नहीं थोड़ा ज्यादा ही तो है। देख मैं देखता है बाहर कोई आया, तुम बात देखो कैसा है, बोले तो अगर सब लोगों ने चालू कर दिया तो फिर दुकान से सामान को खरीदेगा क्या? अल्लाह बोला जानो, ये कौन है? मैंने वेजिटेबल्स आज खरीदी थी एंड उसके पहले का भी रिफंड नहीं मिला था मेरे को। अरे अच्छा
आपने उसमें मेल पे डाला है? हाँ हाँ डाला है। ठीक है देख लेते हैं हम। अच्छा ये अपना आदमी है इस्मत भाई, आओ थोड़ा सा गाड़ी देना आपकी। ठीक है। अरे हेलो रे भाई, तुम्हारा है, रुको मैं देख रहा। हेलो मैम, किस नाम से होगा? ठीक है ठीक है भाई, ये लोग कहरा बुरा क्या चोरी करते हैं यार, फक। हाँ हाँ तुम जा सकती हो, जा सकती हो। देखो कैसा है बोले तो हम उनको से एक ही बार सवाल पूछूंगा हम उसको कि तुम इतना इतना ऐसा लेके गए थे क्या, और मैं सिर्फ इतना ही सुनूंगा कि हाँ या ना है क्या बस। ठीक है फरा, आशु के लिए जल्दी से किराक बुलाओ लगाओ। थोड़ा सा बैंक हो जाता तो पीछे वाली चाबी नहीं मिली। नहीं मिला? नहीं मिली। बराबर चला। ठीक है ठीक है। हल मैम का करवा रहा था मैम। 5000 बिल है, 5700। ना ना वापस बैंक जाना पड़ेगा क्या मेरे को अभी? नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? आप अशरफ हो गया? हाँ अशरफ। अच्छा 5740 के नाम से इनका। और अशरफ एक बात बता मेरे को, कुछ दिन पहले अभी कुछ हुआ था क्या तेरा किसी के साथ बहसबाजी हुई थी क्या? मेरी बहसबाजी नहीं हुई थी, तो जो हमारा एम्प्लॉय है ना परी, उसको कुछ लोग अब्यूज कर रहा था, तो जस्ट मैंने उनको रिप्लाई दिया था, बस यही हुआ था। अच्छा नहीं 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 वो तो अलग मैटर, तो बाहर का सीन है ना। हाँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बर्गर शॉट पे कोई बात हुई थी क्या तुम्हारी किसी कस्टमर से? उनके लिए हाँ हाँ उनसे बताई थी मैंने। हाँ 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 मैंने उनसे सॉरी मांग ली थी कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा बंडाना के लिए आज आए थे वो मेरे से खाना लेकर गया। वो ठीक है बट थोड़ा सा वो रखना, ठीक है ध्यान रखो कस्टमर से। वो ही मेरे नहीं नहीं मैंने अच्छे से बात करा था उनको, पता है बुरा क्या लगा? मैंने उनको बंडानों को मास्क बोल दिया, तो वो बोलते हैं आपने डिसरिस्पेक्ट। अच्छा अच्छा हाँ तब तो मैं तो था। हाँ वही हुआ था कि थोड़ा मास्क को बंडाना बोल दिया, बंडाना को मास्क बोल दिया, इसलिए तो उसको थोड़ा बुरा लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कोई फैमिली के लोग है क्या? वो चलता रह गए लोग, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ऐसे तो नहीं हो गई थी आज, वैसे आज लेके गए थे तो कहते अच्छा लगा आप बंडाना बोल रहे हो ऐसा। ठीक है अशरफ, कोई दिक्कत हो तो थोड़ा बोलना हमको। ठीक है जी जी, क्या बात। और ये है क्या परी, तुम्हारी बात होती है क्या? आ परी अभी नहीं रही थी, शहर में है क्या? पूछ एक बार, ये सोने गई। शहर में है वो। अरे परी है यार, बोला ना अभी थोड़ी देर पहले बात किया, पता नहीं मेरे दूर है ऐसा बोल रही थी मेरे को। आई थिंक सर का नंबर उसने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। मेरा हाँ हो सकता है, रिजर हो तो सकता है। इस्माइल भाई COO का नंबर ब्लैक लिस्ट में, इस्माइल भाई पर तुम्हारे पीछे पागल के ना वो कुछ। इस्माइल भाई एक्स की बात नहीं है यहाँ पे, COO का नंबर ब्लॉक है। मैं ऑफिशियली फोन कर रहा हूँ सर। फिर तो तुम कुछ लग रहा नया नंबर लेना पड़ेगा CEO वाला। दिलाओ ना इसमें, दिलाओ ना VIP's नंबर ऐसे। उससे अच्छा मैं परी को बोल के तुम्हारा नंबर अनब्लॉक करवा दूं। हाँ ये ज्यादा बढ़िया, पैसा भी बच जाएगा। कहाँ दो दो फोना संभालोगे? नहीं नहीं इसमें एक रुपया मत करना कभी जिंदगी मेरे पे। इसलिए मैं पहले वो पूछ लेना ना कि ब्लॉक क्यों, क्या क्या पता ये ब्लॉक ज्यादा कॉल करता हो। बढ़िया अबे हल नहीं, अबे क्या ब्लॉक क्यों करा, अबे फोन आ रहा है। नहीं वो ब्लॉक क्यों करा वो तो मुझे ही मालूम है। क्या अभी क्यों नहीं आ पाओगी? मैं इस्माइल भाई ने मीटिंग करनी है, जैसे एक बार आओ अभी। इनकमिंग ब्लॉक है, इनकमिंग 5 मिनट के लिए आ दो। ब्लॉक है आउटगोइंग ब्लॉक है, तो 5 मिनट के लिए देखो आ जाओ, मीटिंग करनी है जरूरी है, उसके बाद चले जाना शो में। कौन मार रहा है? हां पुलिस वाले खुद नहीं पता, इस्माइल भाई ने बोला कि परी को बुलाओ। इतना अंधेरा है, कहाँ पे मच्छर है कहाँ पे इंसान है पता ही नहीं चलता। अच्छा भाई वो कह रहे हैं कल नहीं हो सकता? कल अरे
मैंने बोला अंदर आया तो नहीं 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 उसको बोलो कि हमको 5 मिनट ही बात करना है बस 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट चाहिए सर पर सिर्फ 5 मिनट वी नीड 5 मिनट्स फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल कैन यू जस्ट लाइक 5 मिनट भी नहीं चाहिए 2 मिनट चाहिए अच्छा किसी और को गाड़ी दे दी आपने अपनी तो आप लेके आ जाओ कोई बात नहीं हम आ जाएंगे मैं और अली से बात कर लेंगे हम आ रहे हैं तुम्हें लेने कहां पर हो आप अभी नहीं बोल रहे थे अभी जा रहे देख रहे सुन भाई तो शहर में कहां पर हो बर्गर शॉट आ सकते हो या हम लेने आए अरे हम आ जाएंगे रे भाई लोकेशन भेज दो 494 पे पिंग कर देना क्या आ रही है क्या वो जाना पड़ेगा लगता है रॉबिन भाई मैं अकेले गया ना किस दिन पर ध्यान रखना तुम ही पटिया लगा रहे हो नीचे मेरे को अच्छा अरे एलेक्सर देखो क्या मिला मतलब हां मिला मेरे को मिल गया मैंने बोलता 57 देख बता दिया मैंने इस्माइल भाई को इस्माइल भाई 5000 समथिंग है इनका मैं फिर तेरे को कंफर्म कर देता हूं विद प्रूफ डाला हुआ है ठीक है फोन से फोटो खींच के भेजी हुई है इडियट्स की हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है हां जी हां वो मैं पता हूं ये अर्जेंट के लिए मत दिया बाकी का फिर दे दिया हां ठीक है मैं बाकी एलेक्सर ले लूंगा हां वो 5750 कुछ कम आ रही है तो 3.5 में दे दिया तो के पूरा कॉन्ट्रैक्ट 3.5 दिया ना उसको रुको एक सेकंड मतलब तू ऑलरेडी हायर्ड है मैं तेरे को बता दिया तुम्हारे थे 5700 ठीक है ना 40 मतलब ये मतलब मैक्सिमम वेटनेस हेलो इसमें भाई आपका नंबर आपके पास इसका नंबर है अशरफ का नहीं मेरे पास तो नहीं है रुको मैं फिर इसको बाकी पैसे दे देता हूं मैं दे देता हूं इसको गुड्डी ठीक है फरा गुड्डी कहानी चली जल्दी से किरा इस्माइल सर मतलब काफी मतलब मैं सुबह रहता हूं ना तो काफी लोग ऐसे रूड लोग आते हैं मतलब हम तो आराम से बात करते हैं बट वो मास्क वास पहनते हैं एंड अरे नहीं नहीं आज कोई दिक्कत नहीं है मेरे को सब मालूम है इधर क्या होता है देखो तुम्हें 2204 आ गया तो बेसिकली आज एक आदमी आया वो कुछ बोल नहीं रहा था एंड उसको सफाई वफाई करनी थी देन मैंने बोला ओके तू स्टोर का कर ले और बाहर जो स्नो है वहां से हटा दे मैं तेरे को $70 दे दूंगा अपनी तरफ से उसने काम करा एंड उसके बाद मैं जैसे ही आया वो गाड़ियां घुसाने लग गया फिर उसके बाद मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और स्टोर के अंदर गाड़ियां घुसा रहा पता नहीं क्या कर रहा था गाड़ियां घुसा रहा अंदर हाँ स्टोर गाड़ी के अंदर घुसा रहा और मेरे ऊपर चढ़ा दी गाड़ी दो बार कैमरा का फुटेज है तुम्हारे पास गुड मॉर्निंग मतलब चलो गुड्डी 1000 रुपए निकालो है घुसाने का है घुसाने वाला है चढ़ाने वाला क्या गाइस क्या घुसाना चढ़ाना क्या बोल रहे हो चलो 1000 रुपए निकालो गुड्डी क्या बातें चल रही है टोपी नहीं है यार बिना टोपी पहने अरे तो घर है ना एलेक्स जाओ ना तो जल्दी से जाके चीजें करके आ जाओ घुसाना चढ़ाना क्या बातें चल रहे हैं भाई कौन गाड़ी घुसा रहा दुकान के अंदर गाड़ी कौन घुसा रहा मेरे को आदमी चाहिए तुम लोग मेरे को आदमी होना सब जाओ रे भाई गाड़ी बोलो या चरान मैं ड्यूटी करा के घुसाना क्या बातें चल रही है भाई हाँ कैमरा का फुटेज है तेरे पास कौन गाड़ी घुसा रहा था अंदर अंदर घुसाने वाला है और मेरे पास बाकी सब है उसका पेपर तू भेज बेटा मेरे को भेज तू बेच तू बेटा बेच तू मेरे को बड़ा वाओ बड़ा वाओ वाओ बड़ा वाओ एंड उसने तीन बार मेरे ऊपर चढ़ाई की गाड़ी मैं घुसाऊंगा अभी तू भेज भेज एलेक्सर अभी तो जा सकता है मैं संभाल लूंगा दुकान मैं कहां जाऊं इधर भी जा ओ भाई वाह बेची वाह सामान लेके आना है सामान तू ये कर ले बटूरे हम लोग लेके आ जाएंगे एलिसी वो आया रे लुलकेशन आया रे तेरे को लुलकेशन नहीं आया इस्माइल भाई थोड़ी देर के लिए मैं जाऊंगा यार मैं गुड्डी पैंट चालू मैं ठीक है तू चले मैं आपको देता हूं मैं मेल पर ठीक है भेजो मेरे को भेजो पैंट किधर है उसके ऊपर मैं गाड़ी चला दूं पैंट किधर है तुम्हारी अरे जानू बेबी है ना जानू बेबी को बता दो क्या क्या लाना है ये तो दिखा रही हूं पैंट को रुको सोने जा रहे हो पैंट किधर है तुम्हारी जाओ वही बता रहे इस्माइल भाई अपार्टमेंट ठीक है कल आते भैया बाय बाय भैया अपार्टमेंट देखो मेरी पैंट देख लीजिए भैया हम जाते सोने जाओ 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 कोई टेंशन नहीं हां बाय बाय गुड नाइट टाटा बाय बाय बोला जानू रबिन गाड़ी किधर है भैया कल मिलते हैं सामने सामने पार्किंग में लगा था मैं ऐसे जगह पे नहीं लगा देगा गाड़ी
मैं चलाऊंगा जी टर्न मेरा भाई चुपचाप इस्माइल भाई इसी को ले जाओ परी को उठाने नहीं सनी को चाहिए ना सनी उसका ध्यान नहीं रखता अभी देखो अभी अभी मेरे को मालूम है परी का आंसर्स क्या रहेगा मैंने तुम कुछ भी नहीं चुराया है तुम काय को ऐसा बोल रहे हो इस्माइल जान ये सब लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं ऐसे मत किया करो प्लीज ऐसे मत करो मेरे से निकलेगी नहीं मेरा बात मेरा मेरा नाम लेके मत बोलना कुछ भी वो मेरे से पहले खून की रहती है वो मुझे फिर उठाएगी हवा ये क्या है क्या भाई यहाँ पे मेरे को सी दिख रहा चल एक बार जाओगे क्या प्लीज अरे थोड़ा परी से बात कर ही जाएंगे देख लेंगे क्या है उससे ठीक है देख लेंगे कहाँ पे है परी अपार्टमेंट कह रही थी एक ही मोहतरमा दिख रहे हैं हेलो अरे ये तो एनियो है हाँ हाँ हाय एनियो हाय एनियो हाय स्माइलू ऑल गुड अरे इसको भी लेके घूम रहे हो स्माइलू मैं बता रही हूँ गाड़ी पे परनौती आ जाओगे आ जाएगा हाँ एलेक्सर को लेके घूम रहे हो अरे 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 यार मारेगा मारेगा बैठो 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 मैं लड़का लड़की में ना वो बिल्कुल भी नहीं करता तो बता रखा मैंने पहले अबे ओ चला जा साढ़े चली जाओ चली जाओ तेरे को छोड़ के जाओ रे एलिजिर नहीं 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 ठीक है न्यू मिलते हैं क्योंकि इसको बाद में तुम ही तो बोले निकल जाओ निकल गया मैं अब उसको कह रहा था चली जा परी हेलो ठीक आ रहा मैं परी ये मैं क्या सुन रहा हूं परी क्या हुआ क्या सुना ये सुनने से पहले मेरे कानों से खून क्यों निकल गया क्या क्या हो गया एलिजिर तुम बताओगे मैं बताऊं आप ही करो इस्माइल भाई क्या ओ परी बोलिए बोलिए तुम्हारी कंप्लेंट आई है मेरे पास कैसी कंप्लेंट कि तुम जब दुकान से निकली तो तुमने भर भर के खाना ले लिया और तुम चली गई मैंने भर भर के खाना नहीं लिया मैंने अपनी मील ली जो मेरे को मिलनी चाहिए तो आप बोल रहे हो कि बस एक ही मील लिया तुमने नहीं मेरे दो मील हैं आप ही बोले थे आप हमेशा ऐसे क्यों करते हो आपको बार बार मेरे को याद क्यों दिलानी पड़ती है कि आपने मेरे को बोली थी दो मील ले सकती हो दिन का जब भी मैं काम करती हूँ तो चलो ठीक है तो तुमने दो मील ही लिया उससे ज़्यादा नहीं लिया ठीक है इतनी बात करना था बहुत कुछ नहीं इतनी बात अच्छा ठीक आपको कहाँ छोड़ूं मैं अभी बोला ना दो मिनट की बात है बस ये बात थी आओ कैसा है लोग ऐसे गंदा गंदा बोल रहे तुम्हारे बारे में फिर ऐसा मैं सुनना क्या एक बात कोई कुछ बोले तो फिर एक बात बताइए मैं जाके पूरा साल करना ऐसा एक बात बताइए मैं वहाँ पे पूरा टाइम अपना जो भी टाइम है वहाँ पे देकर इतना मेहनत करके काम भी कर रही हूँ और मेरे को मेरे जो आपने बोली कि मैं मील मेरे को मिलनी चाहिए खाने को मैं वो भी नहीं खाऊं फिर मैं वही तो बोल रहा ये लोग आए ना मतलब ये जलते हैं तुमसे परी जलते हैं खाना भी ना खाऊं मतलब मैं भूखी मरूं इतना मेहनत करने का क्या फायदा फिर जब भी मेरे को मेरे हिस्से का मील भी ना मिले तो लगता है बाकी लोग इससे गलती हो गई है कुछ बराबर आपको रैबिन एलिजिर क्या है ये गलतियां कर रहे हो तुम लोग बराबर मेरे को तो आंखों में आंसू आ गए मैंने कब करी हेलो मैं तो अभी आया शहर में भाई हेलो रैबिन मेरे को तो कोई प्रॉब्लम आपको पता है इस्माइल जी हां मेरे को क्या क्या बातें सुनने को आई आज उधर पे नहीं 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 मेरे को नहीं मालूम कुछ भी बताओ मेरे को बता सुना मेरे को गलत इंफॉर्मेशन देते हो बट मेरे को एक बंदा उधर में बोला कोई लड़की आती है उसको फ्री में खाना दिया जाता है कौन है वो लड़की ऐसी बातें वो लड़की का नाम नहीं मालूम मेरे को बताया किसी ने तो बताया किसने 6,000 का कुछ बिल का फ्री का खाना उसे दिया एंड आज सोनम जी आई थी उनको भी फ्री का खाना मिला सोनम के बारे में बात करो
डी ने बताया होगा फ्री का खाना मिला आज और एलिक्सिर के बारे में भी मेरे को कोई बता रहा था 50-50 लड़कियां आती हैं इसको एक दिन में मिलने सेल के लिए नहीं दूसरी गलत चीज के लिए बोल ले उसके लिए भी तो खाना चाहिए होता ना उनको बाद में कुछ ना कुछ सुनने को आती है मौसी बन कौन रहा है पहले बताइए जरा नाम बता उसके बाल घुंघरालू है उसके बाल घुंघराले बाल है वो क्या नाम है टोपी में उसके बाल निकलते लड़के के चश्मा पहनता है। सच्ची बता रही हूँ नाम नहीं याद है क्योंकि उधर में उस समय बहुत सारे लोग थे तो पता नहीं उनमें से कौन से वाले ने बताई मैं भूल गई हूँ बहुत सी बातें मेरे को सुनने में आती हैं। और ये क्या सुन रहा है किसी को 6,000 का खाना मुफ्त में दे दिया है कौन है वो हाँ ये कल हुआ है ऐसा सुनने में वो कौन दिया इस्माइल जी सोनम जी थी वो सोनम जी आई थी ओनर है SOBW की और उनसे अच्छे रिश्ते बनाने हमने बिजनेस को लेकर इसलिए देखा परी हाँ तो ये मेरे को क्या पता मेरे को तो जो बात सुनने में ही मैंने बता दी अब अरे पर अपने सीईओ से कंफर्म तो कर लो तो मैंने तो आपको कंफर्म अरे तो मैंने कौन सा किस उसको जाके कुछ बोला थोड़ी है जिसने किया है या नहीं किया मैंने तो बता दिया तुमने तो मेरे को वही बताया कि कोई 6,000 खाना मुफ्त में दे दिया बोल के हाँ तो जो मेरे को पता चलो वही बताऊंगी ना फिर मेरे को तो ऐसा लगेगा ना कोई एम्प्लॉय ऐसा कांड कर रहा है तो मेरे को भी तो वही लगा मेरे को क्या पता था कि ऐसा कुछ है कि बिजनेस वगैरह की बात इस्माइल भाई अपनी गर्लफ्रेंड तक अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब मैं वीवी को भी ना मतलब अपने अपनी जेब से पैसा देकर मीट दिलाता हूँ कोई भी बता देगा मैं पैसे खर्चता हूँ हाँ पैसे खर्चता हूँ इस्माइल भाई क्या दर्द है लॉन्डे पर उनको तो मेरे ऑफिस में मील फ्री है एक बार इस्माइल जी खुददार लोग हैं खाना दिया तुमसे भी पैसे लिया ना मैंने बस इस्माइल भाई मैं किसी से फ्री में नहीं लेता खाना वैसे भी अभी जो है वो नया रूल जो है वो डाला आया नहीं आया वो अभी तक आपको दे दिया वो आप बताइए कब डालना है पूरा डॉक्यूमेंट डाल दो उधर आखिर गिरगिरी कैसा नया रूल अभी अभी डालने क्या आओ डालो उधर डालो रुको मैं डालता हूं इस्माइल भाई एक बार मैं फॉर रीहायरिंग वाली चीज करनी है क्या पता है नहीं नहीं वो नहीं करनी जो अपन नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना इसको साइन करके लेना है कैसा कैसा मेरे को भी बताओ उसके बाद बारे में बात करनी थी इस्माइल भाई ये करके मैं बोलता हूं हां वो कैसा है देखो ये अगर अपना फाइनल्स हो गया ना तो ये वीवी जी को थोड़ा दिखा के उसको फाइनल्स कर लो समझ रहे नो वरीज हेलो दैट मुझे थोड़ा बताइए क्या बात हो रही है अपना बर्गर शॉट है ना आपको पता लग गया उसका नया कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है अभी ईमेल पे देख लेना कैसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है पूरा उसको पूरा पढ़ना हां क्या होने वाला है उसमें अभी इतना बड़ा डॉक्यूमेंट मैं पढ़ के थोड़ी बताऊंगा तुमको पढ़ना है अपना अपना अच्छा सबका अपना अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा हाँ ऐसे ऐसे लगा लो हाँ अच्छा मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट है फिर बताओ अरे अलग अलग मतलब रूल्स वही रहेंगे तुम्हारा सिग्नेचर से लग रहेगा अच्छा भाई सुन रहा हूँ बर्गर शॉट के अंदर कुछ सांप लोग आए सांप एक तो मैंने पकड़ लिया तो सारे इंसान ही दिखते हैं तुमको मालूम परी हाँ? बचपन में मेरे को एक सांप मिला था खेतों में हैं फिर तो लोगों को लगा था कि मैं डर जाऊंगा सांप से दे एक बार बर्गर शॉट आ जाती थी बात करने वाला मैंने क्या किया मालूम क्या किया ऐसा क्या? एक वो कोई नहीं आराम से यार तेल लगा के खाली तुमको पोता मालूम है पोता पोता क्या होता है अरे वो जो राशन आता है जिसके अंदर ऐसा सैक सैक अच्छा बोरी 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 वो बोरी जो है खाली वाली बोरी में रॉकेट्स में डुबा के पेट्रोल में डुबा के आग लगा के सांप के ऊपर डाल लिया सांप ऐसा झींगा लाला डांस करके खेत में मर गया ये तो पाप हो गया सांप को नहीं माननी चाहिए
मतलब सांप कुछ भी करे और हम लोग बस देखते रहे। आपको मालूम है हमारे इंडिया में हमारे भगवान है शिव जी, उनके गले में बैठते हैं सांप। वो भगवान वाले अलग है। की सांप की पूजा करनी चाहिए। ये काटने वाला सांप था, काटने वाला, उसकी कहां से पूजा करेंगे? वो ऐसा क्या मतलब, वो सांप आएगा मेरे को काटने को, मैं बोलूं अरे भगवान जी मेरे को माफ करो, तो काट देना था ना वो सांप को। वही तो करा मैं पहले, ऐसा झला झुला के छोटे छोटे पीसा बनाया। फिर क्या किया? फेंक दिया। अरे अरे अरे, मेरे कुत्तों ने खाया वो सब पीसास। किसी के मुंह में दे देते वो सांप, मतलब खिला देते दिया तो मेरे आंखों के मुंह में दे दिया, उसको बहुत मजा आया। बर्गर शॉट पे भी आ चुके हैं। सुबह से कौन कौन आया था? वही बोल रहा, मदन राज आया था। अच्छा पहले ये बताओ मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कौन बोल रहा है, पहले तो उसको देखना पड़ेगा। वो हम तुमको नहीं बता सकते। बताओ ना, पॉलिसी है, कंपनी पॉलिसी है, हम तुमको नहीं बता सकते। समझ रहे? बताओ ना परी, एक बार बता परी। हाँ? वो छोड़ भी, एक बार बता तेरे को ये बात किसने बोली? तेरे को दाढ़ी वाले अंकल ने बोली या किसी और ने बोली? मैं बताती हूँ उस समय कौन कौन था वहाँ पे। देखो एक वो था मिर्ची था, एक वो था वो जो हबीबी था, एक वो था वो एक और बंदे का नाम है डी, एक वो भी था उस समय वहाँ पे। इन्हीं तीनों में से कोई था, बस डी था। क्या ये डी वही है जो मेरे को हर रोज खम्बा देता है? हाँ भैया, हबीबी तो वो है जो ऐसे करती वैसे करती बात करता, वो तो नहीं होगा, वो बचता पर इतना नहीं बचता, उसको 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 कुछ समझ ही नहीं आता। मैं भूल गई इन तीनों में से कौन बोला था। उसको तो शोरमा बनाना और कुछ नहीं करना उसको। अच्छा अभी भी तो नहीं होगा। मेरे को बहुत सारी बातें रोज रोज की कुछ ना कुछ किसी ना किसी की सुनने को मिलती रहती है। कोई बात नहीं, मौसी है ना, मौसी बनना है ना। पर पता है सबसे अच्छी बात, आपके बारे में ना कभी कुछ सुनने को नहीं, आपके बारे में हमेशा अच्छी बातें मिली है। क्योंकि उनको मालूम है कि मैं सांपों के साथ क्या करता। इस्माइल जी आपके और रॉबिन सर आपके दोनों के बारे में सब अच्छा अच्छा ही सुनने को मिला आज तक। थैंक यू। कोई नहीं, मतलब एलिसिर के बारे में अच्छा सुनने को नहीं मिला। सनी सर है ना, उनके बारे में सुनने को आई थी। वो थोड़ा वो काम पे आने के बाद कुछ बात उनकी सुनने में आई थी, मेरे को याद में नहीं आ रही है। लड़की कुमारा पूरा बता हमको, लड़की से रिलेटेड नहीं कुछ और ही बात थी, याद क्यों नहीं आ रही मेरे को, मैं भूल गई हूँ। गाड़ी रोको, गाड़ी घुमाते रहोगे तो इनका दिमाग घूम जाएगा। अच्छा ठीक है, बात करो। हाँ आराम से सोचो, आराम से सोचो। अब आया याद, अब आया याद, अब आया याद। मेरे को क्या किया है तुमने? अरे कभी कभार समझ, जब जनरेटर चलता नहीं ना तो उसको धक्का देना पड़ता है। मेरे से जनरेटर नहीं है या फिर रिपेयर किट लगता है। मेरा सर कोई इंजन थोड़ी है। अरे बहुत तेज मैकेनिज्म है ना तुम्हारा, इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कंप्यूटर से वो कर रहा हूँ कंपेयर। मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, सेक्सी लेडी हूँ। नहीं कुछ और सुनने में आई थी। बर्गर शॉट के नाम पे कुछ और कर रहा था। मुझे क्यों नहीं आ रहा यार, मेरे को सचमुच में नहीं याद आ रहा, मेरे को भूल गई हूँ यार, मेरे को सॉरी मैं भूल गई हूँ, मेरे को सच में नहीं आ रही यार। वो जो लोग जो मेरे को तुम लोग का मतलब एलिक्सर के बारे में बोली थी, शायद उसी ने कुछ बोली थी। उसी ने बोला था, मतलब डी ने ही बोला था, वो बोल रहे हो? अगर डी ने बोला तो पता चला कौन है वो। परी, ओ परी, गया लगता है बस। ये गहरी सोच में परी। ओ क्यूट एंगल, तो को आ रही है आ रही है।
मैं बोल रहा बता मेरे को सनी ने क्या करा है, मेरे को सुनना है, मेरे को जानना ही चाहिए। मुझे नहीं आता रहा सच्ची मुच्ची। मेरे को याद करनी पड़ेगी, मेरे को टाइम लगेगी लगता है याद करने में, भूल गई हूँ। तुम याद करो फिर मेरे को। मेरा सर घूम रहा है, मेरा भी सर दर्द हो गया प्रेशर डाल के दिमाग पे। अच्छा कोई बात नहीं, इतना लोड मत लो ठीक है। ओ आपको पता है आज सब लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे सब लोग? क्या कर रहे थे? बता 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 जल्दी बता। क्या 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 राके लेके आ रहे सब लोग? मेरे को बारी बारी मेरे को पंच मार रहे थे। नाम लो, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। बर्गर शॉट लो अभी की अभी, वो जजमेंट होगी। बर्गर शॉट लो, बताओ तुम बस नाम बताओ कौन करा, नाम बताओ। मारने के बाद कहते हैं मसल ब्लाइज बिकॉज़ सबने एक एक करके मार दिया। मैं क्या बोल रहा, मैं क्या बोल रहा, एलिसिर एक खाली बोरा, खाली बोरे का इंतजाम करो, एक खाली बोरे का इंतजाम। चलो बोरा छोड़ो अभी, देखो इन इन लड़कों की सारी एक्टिंग। मैं तो मिर्ची ने नहीं मारा, बाकी सबने मारी। डी था, डी था, डी था। आओ देखते कौन था। सोनम के आगे सोनम उस दिन कल बोल रही थी जानू जानू क्यों बोल रही है परी स्माइल भाई को, स्माइल को उन्होंने स्माइल बोला। तो अभी तो और रिक्स हो गया, आप तो बोलेंगे कि अरे मेरी फ्रेंड है, अरे भाई वो मेरी फ्रेंड है। चलो रे सोनम, अरे भाई मेरा ही दुकान है ना, वो मैं अपनी दुकान से डरूंगा भाई। हां चलो चल, एक मिनट रुको, परी को फोन करें। अब कुछ भी करना मेरा नाम मत लेना, बस कुछ भी करना, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ। चलो हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। नहीं नीचे पकड़ो पैर। हाँ क्या साले आराम सा कुछ भी बोलता है मैं। What up boy? वो नहीं उठा रही है तो कैसा भी? यार तब बस बता शायद। उठा ले रे बाबा, उठा ले। फोन नहीं उठा रहे रे भैया। थोड़ी देर में आता तेरे को फोन करके मिलता। सो गई शायद, वो सो गई। वापस लगाओ रे। चल इस पर हक करो करो करो। चीज करो। इसमें लोग सोनम जी से बात क्यों नहीं कर रही? एलेक्सर मुझ हाँ भटूरे। सोनम जी से बात कर रही तभी ये चीज फोन आ रहा भटूरे का। क्या हो गया? अरे मैं तो बर्गर शॉट के पीछे ही हूँ। बात कर, बात कर, उससे बात कर, उससे बात कर। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। उसको ना लपेट ले। अपन लोग लहसुन लेने गए थे ठीक है? ठीक है। बैठो बैठो। सीजनिंग वही रे सेम चीज। बैठ रे भाई। क्या चल रहा है इस्माइल भाई? कौन है तू? कौन है तुम? मैं चार्ली हूँ। फिर ठीक है। हेलो क्या करा रहे भाई तू इधर गली में? ये वो कपड़े चेंज करने गया था, ये न्यू कैप लेके भाग गई थी, लेने गया था वापस। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मिलते हैं। चलो मिलते हैं। हाँ भाई जिन लड़कों ने परी को मारा ना, उन लड़कों से, उन लड़कों को परी से थप्पड़ मरवाते हैं। क्या? On the spot, जिन लड़कों ने परी को मारा, जो बार बार मसल फ्लेक्स कर रहे थे। हाँ चलो देखते आओ आओ। और एक बात सुनो सुनो एलिसिर एलिसिर, एक बात बोलना था मेरे को, इधर आओ बाहर आओ। हाँ जी हाँ जी बोलो बोलो। ये वाला जो दरवाजा है ना, ये वाला, ये कभी नहीं खुलेगा ठीक है? ठीक है ओके। किसी ने खोला है इसके ऊपर ही हमेशा बंद रखना है, सिर्फ लेफ्ट वाला खुला रहेगा। इस्माइल भाई उन्होंने लेफ्ट वाला बंद, ये वाला बंद कर दिया। क्या बोले अब
जब मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ यूज लेफ्ट डोर, फिर भी ये बैंगन वाले काम करना है पुट्टू। आओ ये भी फट गई, अरे क्या रे भाई वो नहीं खोलना है बोल के तो दोनों ही फट गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये खुलेगा दरवाजा। परी भी फट गई आई थी यहाँ पे, नहीं कर सकते क्या ऐसा? नहीं नहीं वो परी थी, परी थी, मजे ले रहे थे। अरे फ्रंट डोर में दोनों लॉक खुलते, वो परी थी मजे ले रहे थे हम लोग। एनयू तुम इस टाइम पे काम कर रही? हाँ स्माइल आज जल्दी आ गई ना, तो आज जल्दी काम पे आ गई। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं तुमको कभी नहीं दिखा इस टाइम पे काम करते हुए। अरे ऐसा आपको लगता है मैं बहुत लॉयल हूँ अपने काम? बोलो बोलो। अरे स्माइल आपको लगता है ऐसा? सुनो मैं तुमको एक ड्यूटीज दे रहा। हाँ बताओ बताओ स्माइल। अगर तुम्हारे टाइम पे कोई भी खाना वाना चोरी कर रहा है ना तो तुमको मेरे को नाम बताना है, ठीक है? उनको कुछ बोलना नहीं है, तुमको नाम बताना है बस। डी तो परी के साथ बात कर रहा था वहाँ पे, बहुत चोरी आ रही आजकल अंदर, ठीक है? अभी अभी देखो, अभी डी मेरे को थोड़ी देर पहले फोन किया, मैंने इसलिए तुमको फोन किया वहाँ पे। मिर्ची हाँ तो डी फोन करके बोल रहा कि मेरे को फंसा दिया ये सब वो वगैरह। मैनेजमेंट के डिसीजन पे क्वेश्चन होगा यहाँ पर, तुम्हारे तुम्हारे होते हैं वो भी। मिर्ची तू परी को थप्पड़ मारा रे? नहीं मिर्च ने नहीं मारा, उसने मिर्च का नाम नहीं लिया, डी का डी और का नाम लिया। किसने किसको परी को मारा था आज? किसने मारा है परी को? परी को दो बार मुक्का मारा, मैं बोल रहा हूँ परी को दो बार मुक्का मारा डी ने, ठीक है? पागल है हाँ। और डी के सामने मैं उसको जाके मना कर रहा हूँ, डी मेरे को घुमा के मुक्का मार रहा था, तो डी ने मेरे को पांच छह बार मुक्का मारा, सीधा हथौड़ा डाल दिया मैंने उसके ऊपर, ठीक है? ठीक है बस हो गया ना, बस ठीक है, फिर इंसाफ हो गया। वो बाहर उंगली करेगी, ठीक है? तो वो रोज उठेगी रोज पिटेगी, ये मेरा काम का एरिया में, मैं अपने काम पे। अरे कहां से सीखे यार डायलॉग तुम, ये रोज उठेगी रोज पिटेगी, क्या है कहां सीख रहे तुम ये? एनीवे ऐसे ऐसे शब्द ना तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते यार। अरे यार स्माइलो ठीक है ठीक है, मैं वो फिर नहीं देती हूं, मतलब वो देखो कहां से सीख रही हो तुम ये सब बोल। अरे यार स्माइलो मैं देखो है मेरे को क्यों ऑफिस पे, मैंने क्या किया? मीटिंग के लिए। क्या चीज का मीटिंग? इस्माइल भाई कल जो नॉवल लिखी थी उसका दूसरा एंड तो जानना हमने। हाँ ये जाना अपनी को। मेरे को एनीवे माय एक बात बताओ, मेरे को मेरी बात तो सुनो पहले। क्या आओ आप इसमें सुनो मिर्च मिर्च बता। राउंड वैल्यू हो जाएगा राउंड 2। चलो क्या हुआ? आधा आधा नॉवल लिख लिया है पूरा करना है, आधा नॉवल लिख दे तो रुको चेक करने समझ नाम। तुम फोन पे क्या बोल रहे थे? गले एक एक और ऐसा भाई जो गले में आटा लाओ चुतिया। क्या हो गया? हाँ हाँ बताओ बताओ क्या हुआ क्या हुआ? बर्गर शॉट तो संभाल लो कोई आगे में। गुड्डी है ना वहाँ पे? हाँ नहीं है गुड्डी, नहीं सबका सर बढ़ गया। बोलो चलो तुम्हारा और परी का कुछ मैटर्स हो गया था ट्विटर पे। हाँ चलो स्टार्ट करते पहले एक बार बिग बॉस चाहते हैं कि आप इस्माइल जी के कमरे में शुरू हल हल। तुम्हारी क्या दुश्मनी है परी से? मेरी कुछ दुश्मनी नहीं है देखो स्माइल बॉस से। वो भी यही बोलती है? हाँ मैं सिंपल सी बात बताती हूँ ठीक है, उनको मैं जानती तक नहीं थी जब वो मैं जॉनी की बात नहीं कर रही हूँ स्माइलो, फिर मैं जॉनी की बात नहीं कर रही, मैं किसी और की बात कर रही हूँ जिसके मुँह से मेरे को सुनने में मिला ठीक है, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ठीक है। मतलब मैं उनको जानती तक नहीं हूँ, मैंने उनको सिंपल इतना लिखा था ट्विटर पे कि आ जाओ सामने बात करते हैं, मेरे को बस बातें क्लियर करनी थी बिकॉज मैं ऐसे बंदी हूँ जिसको चीजें क्लियर चाहिए, समझ रहे हो? स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्विटर हम भी पढ़ रहे थे वैसे। हाँ तो फिर मैंने उनको यही लिखा। हाँ बोल बोल। वाज दैट गाय बद्री? या ओके राइट। हाँ आगे तो फिर मैं उनको बोला तो उनका बंदा आके हमको फिर मेरे दोस्त को भी गाली देने लग गया। मैंने बोला मैं सीधा बोल दिया कि फिर उसके बाद भी स्माइलो मैं तभी भी नहीं लिखती, बट फिर मेरे को मेरा दूसरा दोस्त कोलकाता बोलता तेरे बारे में यहाँ पे बोल रही है, तब मेरे को गुस्सा आया। शेनॉय नहीं कोई और बंदा था, मैं नाम कुणाल वगैरह थे तो कुणाल आशी ये सब थे। तो फिर मैं बोला ठीक है तो मिलके बात करते हैं, मैं गई मिलने उनसे, उन्होंने बोला नहीं मैम मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी। मैं बोला छोड़ भाई जाने दे मेरे को नहीं करना। और उसका बंदा मेरे दोस्त से बदतमीजी कर रहा था वो अलग है, क्या नाम है अशरफ, हाँ हाँ गाली वाली लिख रहा था ना, गाली तो उधर से स्टार्ट हुई है ना, तेरे को भी पता ही है बात ट्विटर देख रहा था। पर वो तो उस लड़की को गाली दे रहा था, तुमको नहीं? नहीं लड़की को गाली नहीं दे रहा था,
लड़के को ना, तो वो लड़के को गाल दे रहा था, वो लड़का मेरा दोस्त है ना, बिना बात के गाल दे रहा था ना भाई, बिना बात के गाली दे रहा था। हाँ क्या तुमको मालूम है तुम्हारे उस दोस्त ने परी को भी गालियां दी थी ट्विटर पे? नहीं परी को तो नहीं दी थी। दी थी यार, हम लोग पढ़ रहे थे ट्विटर पर, तुमसे मिस हो गया रहेगा। पता नहीं मेरे को वो चीज याद नहीं, बट मेरे को जहां तक याद है उसने वो लड़के को ही गाल दी थी, परी को गाल नहीं देती। वो लड़कियों को इतना जल्दी गाली नहीं देगा मेरे को जहां तक। नहीं और एक और चीज, कुछ मैटर ऐसा भी था, कुछ लिखा था कि मैं ऐसे वैसे लड़की उसके मुंह नहीं लगती, इसके आगे मैंने लिखा हुआ इमोशंस स्माइल बाय शोड एंग्री। हां हां मैंने कड़ी शब्दों में इस बात की निंदा करी थी। हां तू लिख ले, मेरे को क्या। नहीं नहीं मैं अरे लिख नहीं रहा, मैं कल की बात बता रहा हूं जो कल परी जी ने बताया। क्या बोला था? कि आपने ट्विटर पे लिखा कि क्या नाम है परी, तो उसने ये चीज लिखी कि एनयो ने ट्वीट किया था कि मैं ऐसी वैसी लड़कियों के मुंह नहीं लगती। ऐसी वैसी लड़कियों नहीं लिखा था मैंने, ऐसे ही किसी के मुंह नहीं लगते मैंने लिखा था, उनको रिफ्रेश करने को बोलो। और उनको देख, वो वर्ड का चार पांच मीनिंग आ सकता है, उनको जैसे अजम्पशन में लेना है लेने दे। मैं उनके दिमाग में घुस के उनका अजम्पशन क्लियर नहीं कर सकता। क्या मुझे एक सवाल का जवाब देनी हो? हाँ जो जी, परी जी। ने कोई तो मजाक किया था बद्री के साथ बराबर, क्या तुमको ये मालूम है कि वो मजाक था? हाँ, वो उसने हक किया था उसको हेस पे। हाँ? वो वहीं से बात शुरू हुई, वो कह रही है, वो कह रही उसने जो हमें बताया स्टार्टिंग से, मैं मतलब पेज पलट के बताता हूँ तेरे को, 50 पन्ने हुए रुक एक बार। हाँ तो उसने बोला था कि जब पहली बार एनयो से मीटिंग हुई थी वो ऐसे हुई थी कि वो बद्री के साथ हेज गई, तो तू ऑलरेडी वहां किसी गाड़ी पे काम कर रही थी। हाँ। और उसने बद्री को ऐसे ही हक करा एज अ फ्रेंड, और एनयो ने पीछे से कुछ टिप्पणी दी जो मैंने लिखी नहीं पूरी, पर ओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, मैंने कुछ बोला भी नहीं था। और तूने जेलस फील कराने के लिए ऐसे थोड़ी सी कोजी कोजी टाइप फोटो शेयर कर। पागल है, मैं और बद्री हर दूसरे दिन साथ में घूमते थे, और वो परी बेबी को जेलस कराने के लिए नहीं था, बद्री किसी और से मूव ऑन करना चाहता था, मैं क्या छोड़ के चले, ऑलरेडी सीन था, छोड़ के चले गए। मैं बात उससे थोड़ी देर बात करता हूं यहां पे, डिस्कस करते हैं ये चाहता है एलेक्सर, मैं बद्री को तो कुछ नहीं करती ना, आके मैं तो फिर मैं क्या करूं, सो जाऊं तक कि अभी मतलब काम हो गया। चलेगा चलेगा चलेगा, सामने रोना चाहिए एलेक्सर के सामने आकर रोना, मेरे को वापस छोड़ आते अपार्टमेंट तक, फिर थोड़ा देर रुकना पड़ेगा तुमको समझ रहे, क्योंकि तो मैं बगैर शर्ट पे सो रहा हूं। क्या एथिक्स होता है, वर्क एथिक्स और अपना पर्सनल लाइफ एथिक्स, ठीक है, मैं अंदर गया हूं, वो जो हमारा रूम है ना उधर सो रहा हूं, आके ये सब डिस्कशन नहीं करना कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे दोस्त को मैंने क्या बोला या मेरे दोस्त ने क्या बोला मेरे को, आपको एज अ फ्रेंड बोल सकते, आप एज अ फ्रेंड मेरे से बात कर सकते हो, बट व्हेन आई कम टू वर्क, व्हेन आई कम टू वर्क मेरे को ये सीन नहीं चाहिए कि हर दिन वो कुछ आके बोले कुछ आके रोए, क्योंकि वो देख मैं तेरे को बताती हूँ, उनको बोल मैंने आज तक उनको बर्गर शॉट में आज तक कुछ कहा है एक वर्ड भी, पूछना उनको। नहीं मुझे नहीं पता, नहीं नहीं उसने ये भी बोला भी नहीं कि बर्गर शॉट में ऐसा कुछ ऐसा करा हुआ है, मैं बोलूंगी भी नहीं स्माइलो, क्योंकि मेरा वर्क एथिक्स है, मैं काम पे कभी भी वो सीन नहीं करूंगी, मैं काम पे कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ लेके नहीं आती, मेरे इमोशंस लेके नहीं आती। तो मुझे बात बताओ तुम्हारा क्या अभी भी बाहर कुछ लफड़ा है क्या उससे? Smilo, I can't stand her outside. I can work with her, but I can't stand her outside. मैं honestly बोलूँगी, नहीं। हाँ तो मत बात करो। हाँ मैं बात ही नहीं करती ना। उस दिन I wanted to talk to straight on her face. उनको नहीं बात करनी थी, तो I said okay. But मेरे बारे में फिर जाके 10 बंदों को सुनाना भी तो नहीं है ना जरूरी, ताकि मेरे को 10 बंदे आके सुनाए, लेकिन तेरे को ही पता मैं हर किसी से बात करती हूँ, हर कोई आके मेरे को तो सुनाएगा ना। यही सीन है और कुछ नहीं। लड़ाई शुरू मतलब बेसिकली तुम्हारे साथ लड़ाई कहाँ शुरू हुई? माइक मजाक से शुरू हुई ऐसा आपने को परी बोली? लड़ाई हुई नहीं थी, स्ट्रेट मैं मुंह पे बोल देती हूँ। उस दिन उसने क्या बोला पता है बद्री को? बद्री को बोला कि जब एनयो के साथ होके हेज में थी, मैं हेज में काम करती, तेरे को पता है ना, हेज में मैं अपना काम कर रही थी, मैं एरिक बद्री हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते मैं एरिक को भी बुला लूंगी, ठीक है,
और हमेशा साथ में ही रहते थे उस टाइम पे। तो बद्री ने बोला तेरे को किसी को मिलाना, मैं बोला ठीक है बुला ले। तो वो आई और वो बोलती है बद्री को कि ये होती है तो मेरे को मत बुलाना। ऑब्वियसली बद्री तो मेरे साथ शेयर करेगा क्योंकि वो तो कल मिली है ना उससे, उसके साथ मैं तो एरिक के साथ 2 महीने से साथ में हूँ। तो एरिक मेरे को, बद्री मेरे को बोलता है कि लड़की ये बोल रही है कि तेरे तेरे साथ होगा तो मत मिलाना। तो मैं पूछा क्यों, तो बोलती है बैड वाइब्स आती है। अभी फर्स्ट मीटिंग में जो बंदी ऐसा बोल सकती है वो बाद में क्या बोलेगी मेरे को बता है एलिक्सर? अच्छा बोलेगी, तेरे को लगता है मेरे बारे में अच्छा बोलेगी वो? लग तो नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने तो उसको उस दिन कुछ बोला तक नहीं था। एरिक प्रूफ है मेरे पास, बद्री भी है, दोनों को बुला के पूछ ले। मैंने तो उसको कुछ बोला भी नहीं था। नहीं पर तुमको क्या ये मालूम था कि वो जो बद्री से कर रही थी वो एक मजाक था? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बद्री को हक करे कुछ भी करे, बद्री मेरा बस दोस्त है एलिक्स स्माइलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग बस ये चाहते हैं कि तुम कैसा है इधर, कभी अगर तुम्हारी एक शिफ्ट में तुम्हारा काम हो गया दोनों का तो तुम लोग का कैसा है? उस दिन के बाद भी वो आई थी बर्गर शॉट में काम करने, मैंने उनको एक वर्ड नहीं बोला बर्गर शॉट के अंदर। ठीक है I can promise you, smile, इतना तो मैं अपना maintain रखती हूँ कि किन लोगों के साथ बात करनी चाहिए किन लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए। उतना उस दिन आई थिंक कौन था अपने रात के शिफ्ट में आता है ना एक बंदा, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गई यार। कौन? अप्पू। पीटर अप्पू ब्रीज, उसका नंबर भी है मेरे पास। आगे काम कर लेती हूँ, तुम दोनों पीछे काम कर लो, यही बोला मैंने। मैं टिल पे ही खड़ी रहती हूँ और किया काम मैंने, उनको बोला भी कि मेरे को ये चाहिए, उन्होंने दिया भी, काम इजी गया था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस मामले में, काम के अंदर ऐसा सब नहीं करूंगी। देखो हम ये चाहते हैं कि बाहर अगर दो बर्गर शॉट के एम्प्लॉयज को आपस में लोग लड़ते देखेंगे ना, लोगों ने बोलना कि इनके परिवार मतलब इनके इनके आपस में ही बोलचाल ढंग ठीक नहीं है, तो फिर तो लोग आके भरेंगे ही, समझ रहे हो? लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, भरेंगे। देखो मैं मतलब बातें भरेंगे, सुन 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 एलेक्सर, कुछ ना भी हो ना तभी भी लोग बोलेंगे, ठीक है? तो वो तो हमें तो पता है ना कि हम सही हैं, हमें अपने से कुछ उनको दिखाना नहीं चाहिए, समझ रहे? अपने से कुछ दिखाना, अगर हम बोलने वाले तो बोलेंगे। देखो हर बंदा ट्राई करेगा तो ये है कि आई डोंट लाइक दिस स्टफ, यू नो, उनको कोई दिक्कत है तो आके सीधा मेरे मुंह पे बात करे, ऐसा नहीं कि कभी स्माइल के पास, कभी बद्री के पास, कभी फलाना के पास, कभी डिस्काना के पास, भाई सीधा मुंह पे बात कर ले ना, क्या चीज है, एयर क्लियर आउट कर ले। ऐसा नहीं कि हर दिन मेरे को किसी और से किसी और से किसी और से सुनना पड़े, मेरे को भी चलो अच्छा ठीक नहीं है, लगता एक ना, काम करते cool हैं, तुम्हारा जो ये मैटर है ये अपन लोग कल ठीक कर लेते हैं इसको पूरा, ठीक है? देखो शॉर्ट कर लो, मैं तो बोलूंगा कोई दिक्कत की बात, और तुम्हारी इजाजत हो तभी हम लोग आएंगे, नहीं तो अगर तुम कुछ साल करना है तो कोई टेंशन नहीं। हां, इफ यू वांट टू गो आउटसाइड द बगर शॉट दैट्स योर कॉल, इफ यू वांट अस टू बी द मीडिएटर या भी क्या? नहीं नहीं, मेरे को काम पे ये सब नहीं करना, सिंपल सी बात है, उनको बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं उनको आज के बाद कुछ बोलने भी नहीं आ रही ना, मैंने उस दिन के बाद से कभी किसी को उनके बारे में बोला है। उस दिन मैं गुस्सा थी, मेरा गुस्सा ठंडा ही रहता है, मेरा गुस्सा इतना जल्दी वो नहीं हो जाता। और कल भी कुछ हुआ था क्या? कल भी कुछ हुआ था क्या? ना कल कुछ भी नहीं हुआ था, क्या हुआ था? तुम तो कल क्यों बता रही थी हमको बातें? क्या रूस्टर चले जा रहा है? क्या बात कर रही है? कल ही तो बताया उसने सारी कहानी। हाँ तो अभी पुरानी कहानी लाके कल बताएगी तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ? तो हमें तो लगा वो कल की बात है कि कल अपार्टमेंट में कुछ बात हुई है। पागल है क्या? मैं नहीं 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 एलिजी रो, पुरानी बात थी वो। हाँ सनी इधर आओ, डेट चेंज करनी पड़ जाएगी अब। हाँ ना वो बैंक पे, मैं वो बैंक पे आ जाओ। अरे कर लेंगे रे भाई, तू दुकान पे आ पहले। अरे उस दिन के बाद से मैं उससे बात, अरे बात खत्म करो ना, मैं सबका दे रहा हूँ इसलिए, लाइक मेरे पास आ गया। कर लेंगे इतना टेंशन मत ले तू, दुकान पे ठीक है? ठीक है, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कंप्लेंट आ रही है तेरी, दुकान पे नहीं रहता तू। हाँ वो पता है ना, काम काज बहुत हो गया तेरा, वो तो मेरे को नहीं मालूम, ले लिया पर नाड़ में प्रॉब्लम। हां भाई यार रुकना, थोड़े दिन बाद दूंगी। देखा एनियो, मैं सीईओ के साथ भी कितना कठोर हूँ। हाँ। फिर देखो हाँ। फोन किया तुरंत आ गया, ये कौन है? कृष्णा भाई, विद योर परमिशन। हाँ लेट मी डू द ऑनर्स।
काय क्या अनर फॉर दिस गाय क्यों बंदूक निकाल रहा है नलवे सीधा स्माइल भाई बर्गर शॉप में एम्प्लॉइज रखे या गैंगस्टर्स रखे हैं अब तो मेरे को वही रखना पड़ता है ऐसा लग रहा समझ रहे तुम नहीं तो मैं बन जाऊंगा एक अरे अरे स्माइल नहीं है ऐसा आपको और फिर मैं अगर बंदूक उठा लिया ना मैं किसी को भी गोली मारूंगा कैसा अभी स्माइल जो दिखा उसको गोली मारूंगा अच्छा नहीं लगेगा पता है अरे कोई ना गन का सप्लाई मैं कर दूंगी कौन सा गन चाहिए बताइए आप बड़ा वाला गन अच्छा ठीक है करती हूँ जुगाड़ करती हूँ दो डजन ठीक है उसका भी जुगाड़ करती हूँ ठीक है ऐसा गन देना बड़ा वाला जो दोनों कैसा एक हाथ में पकड़ना है मेरे को दो गन चलाऊंगा मैं एक साथ थोड़ा बैड जोक्स आया था बोल दो क्या 18 प्लस जोक्स जिस बार तू बोले की मेरे को ऑलरेडी है भगवान ने धरती उसी के साथ भेजा प्लीज नहीं वो धरती भगवान ने मुझे उसी के साथ भेजा इसमें मैं पेट में दर्द कर रहा है मेरे साथ चलो ना यार पहले तो अच्छा सुनो ठीक है तुम्हारा मैटर अगर सॉल्व करना होगा तो कल परी के साथ मिलके तुम्हारा मैटर सॉल्व अरे नहीं नहीं स्माइल इट्स ओके मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अरे फिर तुमने ही बोल रही फिर वो बोलते रहेंगे ना फिर उसको बोल देंगे हम कि ऐसा मत करो आगे अभी वो तो बोलो कि उसने क्या बोला उसने मिर्च हमें ये बोला कि तूने उसको मुक्का मारा मैंने बारी बारी, बारी 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 मुक्का मारा दिमाग खराब है क्या सुनो अच्छा ठीक है तुम लोग बात करो मैं थोड़ा एक काम कर रही हूं दीने मारा वहां पे सुन के तो जाओ चल रहे भाई भाई तीन सैलेड को फेंक दिया चलो मैं खा लेता हूँ ये अबे तो गाड़ी तो खोल क्या कर रहा है रे भाई जल्दी अपनी गाड़ी निकालो जल्दी डिप होना है जल्दी हैं अबे मेरा गाड़ी तो उधर सामने है अबले छोड़ो फिर आ जाओ इसमें ये बंदे को अभी उठाया था सेम कपड़ों में आ गया गलती से मेरे कौन अरे बाहर जो था तूने इसको उठाया था हां बैंगन कहां से उठाया था उसको इसको पता नहीं कहीं एक जगह जो अबे तो तू कपड़े बदल लेता अंदर ही बर्गर शर्ट के अभी बदल के तो आया इसीलिए बाहर निकला इसके सामने जाके घूर रहा हूं उसको मैं फिर पता चला इसको अभी उठाया था तो भाग क्या कर रहा है तू कपड़े बदल लिए तू गाड़ी से मैं ना क्या हमला है रे भाई मैं बोल रहा हूं देखो मेरे को 50 के चार्ली को देना है ठीक है तो वो ब्लैक वाले मनी मेरे को दे दो फिर तो मैं वो डायरेक्ट चार्ली को दे देता हूं चार्ली को काला पैसा क्यों चाहिए नहीं उसको दे देंगे ना उसको ब्लैक मनी देना है हमें हैं हां सफेद कैसे करेगा वो करेगा अपने आप से जो करना है अबे तो वो तो काम अपन कर रहे थे ना अगले वो अपने पास ही आने वाला है ना एट द एंड ऑफ द डे नहीं वही तो ये कहीं पे और जाके फील्डिंग लगा रहा रे ब्लैक मनी इसका कौन मैं वो चार्ली पता नहीं वो उसके पास ही है अभी भी ब्लैक मनी सब उसके पास है घर पे पड़ा है उसके लिए तो अपन लोग रिसीटा जमा कर रहे थे तो मैं वही बोल रहा हूँ मेरे को उसको 50 के देने हैं ठीक है तो मेरे को वो 50 के उधर से दे दो मैं आपको व्हाइट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगा समझ रहे हो कुछ ना कुछ करके वही तो बोल रहा हूँ मैं कैसा करेंगे कुछ ना कुछ क्या है ये मैं 100 के ज्यादा लोन डाल दूंगा ठीक है मेरे को पास समझ नहीं आ रहा है जब तू बर्गर शॉट से काले पैसे को सफेद कर सकते तू ये क्या कर रहे हो अरे मेरे को 50 के चार्ली को देना है राइट उसका जो उसने मेरे को जो दिया था वो ब्लैक मनी ही था तो मैं भी उसको बदले में ब्लैक मनी ही दे रहा हूँ समझ रहे हो ठीक है उसको दे दे तो मैं पूछ लेता हूँ उसको अगर चाहिए तो ये ले ले वरना नहीं दे रहा हूँ मैं ऐसा बोलूँ मैं वही तो बोल रहा हूँ उसको सफेद करके देना फिर सफेद करके क्यों देना है
ताकि वो अकाउंट में रख सके। तो रिसिप्ट है आपके पास? है ना, वही तो बोल रहा तेरे को। मैं बात करता हूँ कुछ फिर। नहीं तो क्या, फोन उठा ले एक बार बस। हेलो रेडियो, हेलो चाहिए तो थोड़ा कट करके दे देंगे वाइट पूरा पता। अबे गाड़ी में ही बैठ के रख, लाइक थोड़ा इसमें भाई बोल रहा डायरेक्ट रिसिप्ट दे देंगे तेरे को। ब्लैक दे दो ना, ठीक है चल। ठीक है चल। ओके हाँ ब्लैक दे दो उसको, क्योंकि अभी वो अमाउंट डायरेक्ट किसी और को ट्रांसफर करनी है जिसको उसको देनी है, और अभी वो तीन चार दिनों में अपने पास आएगा रिसिप्ट लेने, क्योंकि उसको गाड़ी लेनी है तो वाइट होके मनी चाहिए होंगे उसको। बन रहे हो? ठीक है। अभी के लिए दो अभी फिर डब्बे खोल के देखना पड़ेगा कितना पैसा है। नहीं नहीं दो डब्बे लेके आ जाओ पूरे। आ रहा हूँ। दो ही लाना। ठीक है। कितने बार बैंक जाना पड़ रहा है गाइस? बैंक ऑफ अपार्टमेंट। Not yet. मेरे को एक बार 40 से बात करने का। 40 से मिलने जा रहे हैं ना अपन लोग अभी? नहीं अगर जाना से बात करना है मेरे को। कॉल करो उसको। मेरे को ये जो लॉजिक है ये समझ में नहीं आ रहा उसका। अरे ये जो पैसे है राइट, अभी जो 50K का है हाँ, वो डायरेक्ट वो किसी और को देने वाला है ब्लैक में ही, उसको जिसको देना है उसका भी लोन है वो चुका रहा है डायरेक्ट, समझ रहे हो? तो ये वापस कैसे आएंगे फिर? ये वापस सफेद होके आ रहे क्या? उसके पास उसमें भाई 6 लाख है अभी ब्लैक मनी, सब डिब्बों में पड़े हैं। 6 लाख है तो वो नहीं दे सकता क्या दो डिब्बे? अरे मेरे को देने हैं ना उसको, तो वो बोल रहा है तू दे दे मेरे 6 लाख, एक पूरा 6 लाख कंप्लीट है समझ रहे हो, तो वो डायरेक्ट उसको दे देगा। अच्छा मतलब तू ये पैसे थोड़े उधार ले रहा है। हां समझ गया, डायरेक्ट उसको दे दूंगा ब्लैक मनी, तो आपका डायरेक्ट वाइट में आ जाएगा समझ रहे हो कंप्लीट। देखो मेरा वाइट पे कैसे आएगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो। अबे मैं ट्रांसफर करूंगा ना वो मेरे अकाउंट से, आप टेंशन मत लो, आपको 150K देना है उतना याद रखो बस, ठीक है? वो कैसे आएंगे वो मैं कर लूंगा। समझ रहे हो इसमें भाई? ठीक है समझ गया। आपको 150K लेने है वैसे वो समझ गया। अभी 10K मेरे पास ब्लैक मनी है समझ रहे हो, तो आपका दो डब्बे दोगे 40 और मेरा एक 50। तेरे को ये बात समझ रहा ना, ये जो मैं तेरे को लोन्स दिया और ये 40,000 ये एक्स्ट्रा है। समझ गया, अलग अलग है ना। हाँ मैं ऐसे इंटरेस्ट सबको ट्रांसफर कर दूंगा समझ रहे हो, मैंने लेट दिया उसकी वजह से, उसका कुछ वो तो तेरे को देना ही चाहिए 15%। उसके पास अपने पूरा अकाउंट का डिटेलिंग समझ रहा, और उसके बाद वो जो पूरा अकाउंट का डिटेलिंग सब है ना वो ऑफिसर जिम्मी करके है, जिसको बहुत साला मेरा बेटा बनना है। ठीक है तो अभी एक काम करते हैं, अभी के लिए रहने देते हैं, कुछ ट्रांसफर नहीं करते। नहीं 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 मैं ये बोल रहा कि थोड़ा संभल के रहना बस। एक सेकंड ना, एक सेकंड
हाँ आई विल कम. व्हाट इज द नेम? तो मेरे को दुकान पे छोड़, फिर एक धंधे कर. नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं है, जा रहे थे भाई, कल ज्वाइन करना है. ओके ठिल्ले पे लाइक लाइक बने वाइट होने में क्या फर्क है. हाँ हो गया हो गया. मैं बूस्टिंग कर रहा हूँ ना अभी आजकल फ्री में. फ्री में कर रहा हूँ, पहुँच गया मैं. हाँ समझ आ रही. तो उसके पास अपना पूरा कच्चा चिट्ठा अकाउंट आ गया. अभी के लिए रहने दो, अभी ट्रांसफर मत करते हैं बाद में. चल इधर आवाज आता है, डब्बे वापस लेके आना. ठीक है ठीक है. कुछ सामान वगैरह चाहिए रे तुमको? नहीं नहीं अभी शायद चाहिए होगा, मैं देख के उधार करूंगा. चाहिए चाहिए चाहिए. लाइक मारो गाइस, कितने लाइक हो गए? लाइक मारो गाइस, बोलना पड़ता है कि बार बार कर दो पुट्टू. अभी एक 40 मिनट्स में मैं शिफ्ट करूंगा इस भुया पे. प्यार विदा चैन का रे भाई, यहाँ लेट हो गए थे क्या? नहीं तो मेरे को लग रहा एक लेवनिंग्स लेके आना पड़ता. लेवनिंग ग्रेन्स, 15 ग्रेन बचे हैं सिर्फ. लेवनिंग ग्रेन, फिशेस, फिशेस कितने हैं अपने पास? मैं लेके आओ क्या? तू मेरे को मैसेज कर दे. हाँ कर रहा हूँ. ठीक है. विदाउट 15 या जिसमें टैक्स नहीं भरते हो दैट इज ब्लैक मनी. दैट्स राइट, दैट इज करेक्ट. इसमें सर क्या हुआ कल? कल मेरा दिमाग में बहुत गरम गरम था कल. क्यों? अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, ये बमचे बस अटैक करते रहते और कुछ नहीं करते. तो कल मैं बर्गर शाटी बंद कर दिया, मैं खीर गिरी, पूरा दिन बंद था कल. तो अटैक क्यों कर रहे थे समझो? वो शॉट क्यों बंद कर दिया? बंद कर दिया. समझ रहे? अच्छा. खींचो 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 खींचो. समझ गए समझ गए. इसलिए मैं बंदिश कर दिया फिर, समझ रहे तुम? मैं मस्त जाके फिशिंग कर रहा था. और बोलो. खींचो खींचो खींचो. आई थिंक वो समझ नहीं आएगा तुम्हें. डॉक्टर आपको समझ में नहीं आएगा, वो थोड़ा बहुत टेक्निकल टर्म है वो. आप बता लीना जी, आपका जो वो डॉग फूड का है ना, मैं वो थोड़ा ऑर्डर दे दिया हूँ. ठीक है. हाँ डॉग फूड का ना. हाँ हम नेक्स्ट वीकेंड को पता है ऑल द डॉगोस के लिए कैंप रख रहे हैं फ्रॉम आर ईएमएस के साइड से. सो यू कैन ऑल ब्रिंग द डॉग्स टू देयर एंड वी विल टेक केयर ऑफ दैट. आई मीन आई वांट, आई हैव सम डॉक्टर्स जो डॉग्स को ट्रीट करते हैं, दे बोथ विल, टू लेडी डॉक्टर्स. पर मुझे बताओ कि कौन से नस्ल के कुत्ते हैं? गाउटी वाउटी भी आ रहे हैं क्या उसमें? गाउटी, गाउटी क्या होता है स्मेल भाई? गाउटी कुत्ता नहीं मालूम तुमको? नहीं. अरे वो जो नहीं क्या ऐसा, वो पैक में घूमते हैं ऐसा, इधर उधर कुछ भी चाटते रहते हैं, समझ रहे? मतलब स्ट्रीट डॉग. हाँ वो जो गाड़ियों के पीछे आओ 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 भागते रहते हैं, वो बाइक के पीछे. स्ट्रीट डॉग. स्ट्रीट डॉग. हाँ गाउटी डॉग. तो हम तो इंजेक्शन देंगे उसका, चेकअप कर देंगे. संतोष के लिए जल्दी से किराक पनीर बिरयानी लगाओ ताकि यू नो इंफेक्शन ना हो. हाँ 2 rupees tax. इसलिए तो डॉग फूड मंगवा रही हूँ ना मैं, लाइक नेक्स्ट उसके लिए वीकेंड के लिए. तो बस एंड सारे पुलिस के केनाइंस ना सब आ रहे हैं. सो केनाइंस आएंगे मतलब. हाँ एंड देन थेरेपी डॉग्स like it's gonna be all the doggos. तो अगर अगर उनको हम लोग मर्डर मील खिला दे तो क्या दिक्कत है फिर? नहीं नहीं नहीं, वो डॉग्स को मसाला वगैरह में प्रॉब्लम होगा ना. मसाला नहीं डालता मैं,
सादा बर्गर बना दूं। और ऑल्सो वो जो फैटी फूड्स है ना वो थोड़ा लाइक उनका डाइजेस्ट आई डोंट नो मच अबाउट इट। वो माया और ओलिविया मिलके कर रहे हैं और एक वैन भी खरीद रहे हैं फॉर टेकिंग केयर ऑफ डॉग्स एंड ऑल। वो लोग वही इनका इनिशिएटिव है। मैंने बस उनको पूछा हाँ अच्छा इनिशिएटिव है हाँ तो लाइक सारे जो डॉग्स जो है ना बहुत सारे केनाइंस है नहीं देखा क्या मैं खुद एक आई विल गेट अ कैट। पर नीना जी मेरे को बताओ ये पूरा जो डार्क फूड है इसके लिए मेरे को बड़ा हांडा खरीदना पड़ेगा उसका पैसा कौन देगा? दे दूंगे कोई बात नहीं अपने पॉकेट से दे रहे हो कोई बात नहीं 50,000 का है वो। अच्छा इज दैट ब्रीड शोविच शेफर्ड कमिंग विल बी देयर हैं हां देयर इज अ ब्रीड शोविच शेफर्ड। ये तो लीना जी को मालूम रहेगा उनका शो है। Oh wait, it's German Shepherd. Sorry. ये German Shepherd जर्मनी से आ रही क्या कुत्ते? नहीं 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 वो ब्रीड का है ब्रीड का German Shepherd बोलते हैं। हाँ वो ऐसे। अरे मेरे को सिर्फ गाउटी मालूम है। गाउटी नहीं वो bulldogs and like therapy dogs huskies वो अच्छा इस्माइल भाई ये बात बताओ वो attack करते हैं तो आप वापस सिर्फ डिफेंस ही कर रहे हो क्या? तो मैं वो करना चालू कर दूं जो कुछ दिनों पहले हुआ था तुम्हारे साथ। मेरे साथ क्या हुआ? गए थे ना किधर तो मेरे साथ थोड़ी कुछ हुआ। हाँ मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा तुम्हारे साथ हुआ है मतलब तुम थे उस सिचुएशन में ऐसा बोल रहा हूँ वो जो करना चालू कर दूं। अरे तो इस्माइल भाई ऐसे आप नहीं कर रहे जब तक आप जवाब नहीं दोगे ना ईंट का जवाब जब तक पत्थर से नहीं दोगे तो वो आपके घर के शीशे तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे रोज समझ रहे हो। हां ये टेंशन मत लो अभी कैसा है देखो आप अपना जो लेते पुलिस से अरे सब लिया हूं मैं ये नल्ली है पुलिस वाली कुछ भी नहीं होता है इनसे आज से पीछे थी है मैं तुमको बात बताओ तुमको विश्वास नहीं होगा। एक बंदे को मार मार के हम लोग का बेहोश करते थे इधर ठीक है इधर अब वो नीली वाली गाड़ी हाँ ऐसा एक पोट्टा था अटैक कर रहा था जूते फेंक रहा था ठीक है तो उसको हम लोग मार मार के बेहोश कर दिए तो दो पुलिस वाली बड़ी बड़ी गाड़ी आके उधर आ गई ठीक है सामने पुलिस वालों के सामने वो बंदा उठ के गाड़ी में बैठ के भाग गया उसको पकड़ नहीं पाई हाँ उसको नहीं पकड़ पाई मैं उधर ही खड़ा था। तो आपको एक शार्प शूटर चाहिए इस्माइल भाई उसकी जरूरत है ही नहीं क्योंकि अगर बेटा मैं निकाल लिया ना ये तो तुमको ये मालूम है क्या होता है फिर अपने वो करना नहीं है समझ रहे क्योंकि शहर में दूसरे लोग कर रहे हैं। लीना आप जानते हो क्या इस्माइल भाई की बचपन की स्टोरी? नहीं बिल्कुल नहीं पता है जैसे मेले लगते थे ना मेले 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 में बैन थे इस्माइल भाई बैन थे मेले में एंट्री नहीं मेले में बैन हाँ मतलब जो मेले लगते ना फेस्टिवल इन गांव हाँ मेले फेस्टिवल उसमें इस्माइल भाई की एंट्री बैन थी पता है क्यों क्यों उसमें गेम्स नहीं रहती वो गन्स वाली हाँ फुल हर में जीत के आते थे बचपन से गेम ऑन टॉप वो जो आकाश झूला है ना उसके ऊपर चढ़ चढ़ के गोली मारता था मैं हाँ फिर कभी घमंड किया नहीं अच्छा तो मतलब हाँ तो भाई आप ही खुद खुद का रक्षा करना पड़ेगा। अरे पुलिस बहुत बिजी रहते हैं नहीं नहीं तुम समझ नहीं रहे यार वो फिर हम लोग भी वही करे तो समझ रहे हर रोज वही होते रहेंगे फिर दिन भर वो हमको नहीं करना नहीं, 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 नहीं। तो एक बार बैठ के बात करो ना मैं ये नहीं कह रहा करो एक को पकड़ो बैठो बात तुमको मालूम है ना थोड़ी भी गाली गलौज हुई तो कैसे ये लोग ऐसा ट्रिगर हो जाते पूरा गाली गलौज नहीं करना बैठ के बात करना है कि क्यों करा तुमने क्यों करा आगे से नहीं करना थोड़ा धमकाना वमकाना समझ इतना दिमाग अगर लोगों में होता तो अपना देश कितना आगे होता है। नहीं 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 ये तो ठीक है मगर वो करने क्यों आते हैं कुछ पैसों के लिए आते हैं फ्री फूड के लिए आते हैं इसलिए अरे ऐसे ही करने आते हैं यार बोल तो रहा हूँ तुमको मैं इसमें कहीं रूस्टर्स वालों का हाथ तो नहीं है खींचो आ खींचो आ खींचो 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 नहीं नहीं वो तो ठीक है इसमें इसमें कहीं रूस्टर्स वालों का हाथ तो नहीं अरे नहीं यार नहीं नहीं उनका कोई भी हाथ नहीं है इसमें वो कन्फर्म एक मिनट ये
वो रैट इन्फेस्टेशन वाला चीज है क्या, उसकी वजह से क्या? लीना जी, उन सबके नाम मेरे को पता चल गए पर मैं एक्शन कुछ नहीं ले रहा हूँ, समझ रहे हो लीना जी? मैं क्योंकि मैं एक्शन लूंगा तो फिर 10 लोग मर जाएंगे। फिर अभी तक लहू मेरे मुंह पे लगा नहीं है, समझ रहे? अच्छा, समझ रहा, वाह। बट वो अच्छे मतलब कुछ किया क्या इधर आके, कांड किया था? हेलो ओनर सर, नमस्ते। बोलिए बोलिए बोलिए, आप पिटारिया हो ना? मैं, हाँ जी मैं पिटारिया पाल कर हूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे पिटारिया, नाइस टू मीट यू टू, फिर से मिले आप। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी क्या? अरे आपका प्रोफाइल हम लोग चेक करें तो मैं छोड़ देती हूँ सर हार्मनी की जॉब, वहाँ काम नहीं करने को मिलता। काम नहीं करने को मिलता? मैं बता रहा था ना डॉक्टर, गाड़ियाँ नहीं ठीक होती ना, कोई नहीं आता, सब सब हेज आते हैं। अरे मैं खुद आया था यार, वो तुम्हारा दुकान ही बंद था और एक आदमी आके ऐसा पूछ रहा है तुम इधर क्या कर रहे हो, मतलब ये कोई दूसरा चीज है? उधर आए थे पता है, ऑल द वे अप देयर मैं आए थे पता है। हाँ मैं खुद पिटारिया, मैं खुद आया था उधर गाड़ी लेके, उधर रिपोर्टर मेरे को पूछ रहा तुम इधर क्या कर रहे हो, मैं क्या बोलूं उधर? फिर कौन था, नाम बताओ सर उसका? नहीं मालूम यार, वो मास्क में था, वो पूरा शहर निकल गया उधर घूमता है। ऐसा कौन सा वायरस फैल रहा है हमें समझ नहीं आ रहा हमारे शहर में, पूरे लोग हमेशा मास्क लाके घूमते। ओ ऐसा है क्या? मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि इधर भी लोग मास्क में आए थे ठीक है दुकान में, अभी खाना खाओगे तो मास्क निकाल के खाओगे? ये मास्क कैसा है सर, ये मास्क कैसा है? ये एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, सिगार जल्दी रहा, ये नकली है, फेक है, ऐसी मुंह में रखती हूं मैं। वो आउटफिट के साथ मैच हो रहा है मास्क। हां तो मैं क्या बोल रहा था पिटारिया, जब हम तुम्हारा प्रोफाइल चेक करें तो तुम्हारे चार या पांच जॉब थे शहर में। सर मैं बताती हूं, एक तो गोल्ड इंटीरियर है जो कभी काम नहीं आता ठीक है, कभी आज तक एक रुपया नहीं कमाया, पेगासस की मैनेजरों के घंटा कुछ काम नहीं मिला मुझे आज तक है, और हार्मनी की एक जॉब है जिसमें थोड़ा बहुत कमाया है और अब उसमें भी काम नहीं मिल रहा सर, बहुत ही बुरी हालत। इनसे ज्यादा तो बेरोजगार कमा लेते हैं कोई। हाँ सही बोल रहे हो, बेरोजगार कमा लेते, पता है लोग शहर में क्या कर रहे हैं सर? ऑक्सी बेचते हैं। ऑक्सी? हाँ ऑक्सी, ये क्या होता है? उसमें कहते हैं मुझे, मैंने बोला कि मेरे को हार्मनी में पैसा नहीं मिलता, मैं बहुत गरीब हो गई हूँ, कोई गाड़ी ठीक कराने नहीं आता, और सर बताओ 600-300 में क्या ही होता है गाड़ी का रिपेयर करने, कम से कम $600। हाँ तभी किसी की क्लास एक ही गाड़ी है तो $1100 हो जाता है रिपेयर, और बात तक कितना पैसा मिलता है। कम से कम लोग तो आते हैं खाना तो, क्योंकि हर कोई खाता है, गाड़ी तो सब नहीं चलाते ना, ये बात तो है। तो मैं सोच रही हूँ सारी ऑक्सी कहते हैं, फिर ऑक्सी कर लो, ऑक्सी में $350 $350 मैंने कहा कि भाई कहते हैं कि पुलिस आती है बट भागना पड़ेगा, मैंने कहा मेरे से ही काम नहीं होगा फिर। ऑक्सी तो मैं लीगलाइज करने वाली हूँ वैसे भी है? मैडम फिर ऑक्सी में रख लो मैडम, मैं फिर वही कर लूंगी ज्यादा पैसे उसमें। अरे वो अरे वो डब्बे लेके बेचने वाला काम नहीं लीगलाइज करेंगे वो। अच्छा तो मतलब वो ये लोग, ये डॉक्टर लोग जो है वो देंगे, समझ रहे? हां लाइक आप सप्लाई कर सकते हैं पिल बॉक्स में, हम दे सकते हैं। पर मैडम वो जो काम है ना इलीगल है, वो जो बड़े बड़े लोग है ना उनको देते हैं, फिर वो लोग ना साथ में हमको पैसे भी दे देते हैं। अरे वो अभी इलीगल करवा रहे ना, हम लाइक लीगलाइज करवा सकते हैं, वो पेन किलर है वो, मैं उसका लाइक केमिकल वगैरह जो चीज है ना पेपर्स डालनी है मेरे को उधर जाके और प्रेजेंट करनी है कि ऑक्सीकॉटिन इज मेडिसिन करके, वो मैं कर रही थी बट बीच में सब बोल दिया कि मुझे ऑक्सी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई यूज नहीं करते, तो मैंने सोचा ठीक है तो ये मेडिसिन इज कम्प्लीटली इन दिस थिंग नॉट यूज्ड अभी, तो मैंने वो काम भी छोड़ दिया था। मैंने एक बंदे से बोल के, मैं वो इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, पेपर भी प्रेजेंट करने वाले थे। तो ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो पिटेरिया, तुम्हें ऑक्सी आता है करना? सर एक बात बताओ इस्माइल सर, ये सब इलीगल है? आपका आपका नाम सुन के हर कोई स्माइल करता होगा, पर जब मेरे को यहाँ जॉब नहीं मिली तो फर्स्ट टाइम मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे क्या
कितने प्रिटी लड़की है उनके चेहरे देख। मुझे बस जॉब चाहिए सर। अरे मैं तुमको जॉब दे देता पर तुम्हारे उस प्रोफाइल में चार चार जॉब पहले से थे। सर अभी मैं सब रिजाइन करके आती सर। अभी सर आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे जॉब दोगे। मैं सारी जॉब मैं पेगासस का मैनेजर का भी रिजाइन करके आऊंगी। फिर वहाँ के कुछ पोटे आके मेरे को धमकी देंगे कि तुम्हारे वैसे बिटारे ने जॉब छोड़ दिया बोल के। नहीं नहीं कोई और काम धंधा क्या बुट्टो कुछ प्रोफेशनल बिल्कुल लेटर डाल के रेजिग्नेशन डालूं कि मैं किसी के दबाव में आके किसी के बहकावे में आके ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं खुद ही इधर से जा रही हूं। ठीक है ठीक है। तो पहला ऐसा एक लेके आओ। एक बात बताओ इनका और बर्गर शॉट और रूस्टर का टाई अप है आई थिंक। मतलब दे आर फ्रेंडली रिलेशन तो है ना। ये बात तो सही है। तो इनका रेफरेंस वहां दे दो ना रूस्टर में। नहीं 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 प्लीज प्लीज मैं करूं। क्यों क्यों रूस्टर में ज्यादा अच्छे लोग हैं बट मुझे स्माइल सर पसंद है। मतलब स्माइल सर ज्यादा फैन फॉलोइंग तो है स्माइल भाई शहर में। पैसे देते हैं भाई। अरे तुमको मालूम ही सेना मार लेगा उधर क्या होता है। हां हां पता है पता है। पता नहीं उधर के ओनर अच्छे नहीं अच्छे से बात नहीं करते। अभी भी मैं सर तमीज से बात की। कौन है ओनर कौन है नाम नहीं बता मुझे सर। गलती से ना मैंने लड़की तो है मैनेजर उधर नहीं कोई लड़का है। अभी क्या हुआ ना सर वहाँ पे मैं गई और मैंने माइक ऑन कर दिया था गलती से और मैंने जानबूझ के नहीं किया मुझे पता नहीं था। तो सर उसको ऑन करने के बाद ना $350 मिलते हैं। मुझे लगा कि इन्होंने पैसे 1150 का मेरा बिल था तो मुझे लगा इन्होंने वापस कर दिए पैसे। तो फिर उनका मुझे कॉल आया कि आप स्टेट का पैसा खा रही हो चिल्ला के बोला उन्होंने तो आप सिटी छोड़ के आओ। मैंने कहा ठीक है जा रही हूँ सॉरी गलती हो गई। मैं स्टेट छोड़ के आई फिर मैं रूस्टर गई उनको सॉरी बोलने की मुझे पता नहीं था कि उसको ऑन करने से पैसे मिलते हैं। तो वो बोल रहे बाहर निकल जाओ धक्के मार के बाहर निकाल देंगे ऐसे बोल रहे। हाँ इतनी बदतमीजी से बात की उन्होंने जबकि मैं उन्हें सॉरी बोलने गई थी। और उनका एक बंदा है शनाय नाम का हेलमेट पहन के वो तो और बदतमीजी से बात हेलमेट कुछ नहीं होगा तुम इतनी डर के तुमने जब कुछ कह रहा है। नहीं क्योंकि ये गधा है ना मेरा दोस्त के सामने ये पिंक टी शर्ट इसने क्या किया ना बोल रहा है वो बंदा मेरे को स्कॉट करके बाहर निकाल रहा है। मैंने बोला छोड़ दो मैं चली जाऊंगी तो ये कह रहा है इसने गन निकाली कह रहा है कि यहाँ से इसको छोड़ो छोड़ो। फिर उनके पांच बंदे थे उसने इसको मारा। मैंने गन क्यों निकाली मारा उसने मुझे नहीं मारा उसको मारा मेरी उसकी गलती थी उसको मारा उसको। अरे भाई मैंने बोला उनकी इतनी सारी गलती है 100 गलती पे वही ना उनकी 100 गलती पे हमारी एक गलती वो हो गई। नहीं तो अभी हम मैं अभी $350 उसके मुंह पे फेंक के आती कि रख अपने $350। अरे 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 भाई वो गैंगस्टर है वो एसएमयू। अभी कल जाऊंगी उनके एक वेटर पे मैं पैसे देके आऊंगी $1000 देके आऊंगी। टिप पे शिनॉय का नंबर तो मेरे पास है जिसने इसको ये किया। उसके लिए कमाने पड़ेंगे। अरे इतने पैसे रखे। अरे ऐसी क्या था थोड़ा लफड़ा हो रहा है कुछ क्या हो रहा है। हाँ मेरे को थोड़ा अपना दुकान का आवाज आ रहा है मतलब अब टेस्ट कर रहे हैं। मैं बता रही हूं भाई थैंक यू। अरे पर मेरे को क्या सुनाया जा रहा है क्या तुम लोग का पीछे हो गया। अब डब्बे को ऐसे हाथ में नहीं रखने का। मैं इधर क्या अरे भाई बर्गर शॉट में आवाज आती है पूरी। हां अरे अरे बाहर तक आवाज आ रहा है समझ रहे वो सामने तक आवाज आ रहा है। जब बंदे आए वो लोकल्स लेने आए तब डब्बा निकाल के उनके हाथ उसी समय निकाल के हाथ में ले उसी समय हाथ में दे ठीक है। और पुलिस आए तो कोई बैकअप उस चीज का। पुलिस आए तो उसी गाड़ी में बैठे उसी गाड़ी से भाग जाओ। ओके 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 ठीक बेशक पता नहीं मेरे पास एक्सेस है इसलिए। अरे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। माफ करो माफ करो। फ्लो फ्लो में निकल गया।
ठीक है तो पिटारिया देखो मैं तुम्हारा इंटरव्यू है ना दो दिन के बाद वापस लूँ ठीक है। ठीक है सर, तब तक मैं सारी जॉब पे रिजाइन मार के आ रही हूँ। ठीक है, तब तक तुमको क्या करना है वो तुम्हारा लफड़ा है। पेगासस वाला जॉब यार, पेगासस वाले थोड़ा लूटते, मतलब लूटते यार, वरना मैं खुद अपने पूरे ईएमएस लेके जाने वाले थे, मेरे को बोला 4,000 में 10% अब 3,000 हो गया, अब 3,000 हो गया। हाँ बोलते 3,000, तब मैं बोलती हूँ ना 10 लोग आने वाले हैं, तब बोलते 4,000 में 10% डिस्काउंट। ठीक है, अरे कौन सा वो स्काई डाइविंग वाला? अरे क्या, अरे भाई वो आधे सारे लोग तो ठेलते रहते उधर बस, नहीं तो क्या सब लोग ठेलते रहते ऊपर जाते नीचे गिरते। मेरे साथ कूदो सर, खुलता ही नहीं है, मेरे साथ कूदो है, खुलना खुलना नहीं आता, खुलता नहीं। हां मेरे साथ कूदना सर, मैं आपको बिल्कुल भी लगूंगी। अच्छा पता है कहां पे मिलता है पैराशूट? पेगासस में। मेरे को तो वही लगता है, टिल्लू कैसा है स्काई डाइविंग करने गया था मुंह पे गिर गया। टिल्लू बोल रहा था मुझे साथ चलोगी, मैंने मना कर दिया, आज वो मैं उसके साथ जाती हूँ। वही तो कोई बता है अभी। हाँ ये बंदा एक जगह रुक ही नहीं रहा भाई, तो लड़कियां नहीं हो गई, खाने का सामान हो गया, सब खाना उसको। उसके बाद शादी ऐसा कर, तो तुम्हारा शादी का क्या हुआ? अभी तो शादी बना लिया कैंसिल हो गया। ये जो खड़ी है ना लीना, हाँ हाँ लीना शादी कर रही थी उनसे, शादी हाँ मैं गई थी उसे घर, लीना आपको याद, आप टिल्लू के साथ एक कमरे में थे तब मैं गई थी, मतलब आप और बहुत सारे लोग थे, मतलब वो एक घर था, एक घर था। अरे तो मीनिंग चेंज हो गया। हेलो मैं कौन, मतलब एक घर था। अरे वो नहीं, कौन सा है? वो मैं नहीं थी, वो दूसरी थी, उसकी भी बाल मेरे जैसी है, रेड कलर की, बूढ़ी कुमारी, समझ रहे हो ना? वही बेबी सोना इधर, हाँ वो ऐसे ही बात कर, हाँ आई लव यू बेबी, इधर चल रही थी स्मेल सर, इधर इधर वो जो गाड़ी खड़े है ना उधर जाके गुड्डी बोल रहे थे आई लव यू टिल्लू सो मच, ये सब चल रहे थे। एंड मैं सोच रही थी मैं, मेरा तो कट गया उस टाइम पे, तुम्हारा कट गया मतलब तुम क्या प्यार करती क्या टिल्लू से? ए, मतलब वर ऐसे मेरे से अच्छा, मतलब प्यार है भी, नहीं प्यार कभी है। टिल्लू ने वैसे मुझे बोला था कि चाय पे चलने के लिए, मैंने उसको मना किया क्योंकि मैंने सोचा था लीना का है। हाँ उसने, लीना तुम्हें कभी भी अकेला महसूस हो तो हम सब है, स्पेशली मैं सिंगल हूँ, मेरे को सिंगल ही रहना है। अरे मैं ये, अरे अरे मैं ये कह रहा हूँ कभी इनको अकेला महसूस तो हम सब हैं। हाँ हम सब हैं, हम पार्टी करेंगे यार, वही तो सब मिलके, और दारू मैं लेके आऊंगी। ठीक हो यार, मैं तो डॉक्टर लीना हो जाए ठुकरा के तेरा, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। किसके साथ? टिल्लू के साथ और किसके साथ? यार मेरे पास प्यार नहीं है, उस प्यार कैसे होंगे? प्यार तो है। अरे प्यार नहीं है तो फिर तुम्हारा दिल कैसा दुखा है? कभी नहीं है। ए वो कट गया, मींस लाइक हाउ विल ही इज लाइक टॉकिंग टू मी ऑन फोन कि अरे तुमसे शादी कर रहे हैं, एंड इधर वो बोल रही है कि उसके साथ कि हाँ बेबी मैं कब से वेट कर रही हूं, मेरे को आके मिल क्यों नहीं रहे हो, ये क्या चल रहा है? लो मैंने उसको बोला मेरे को शादी के बिना भी, और तीसरा पटेरिया से पूछ रहे हो कि मेरे साथ स्काई डाइविंग पे जाओगी? हाँ अरे उसके हाँ, पास तो वो तो सब पहले मरता है ना वो है? उसके हाँ। उसने तो मुझे कुछ तो बोला था, कौन सा वर्ड होता है क्या बनोगी ऐसे करके बोला, वो बनोगी वो वर्ड, आप तो जोरू 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 बोला होगा। नहीं 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 कुछ और बेगम 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 ओ माय गॉड, कभी कोई था ना पहले वो एक गोलू सा? नहीं वो आपका एक था ना कोई गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बोल रहे थे एक बार, वो गोला नहीं मोटा मोटा, हाँ सबको ये बोलता है पिटर ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ वही तो, हाँ तो आप नहीं है? नहीं नहीं मैं लोगों को ऐसे जीने देती खुशी में कि ये सही था, सबको खुश रहने का अधिकार है, मैंने कहा ठीक है। सो लाइक सार्वजनिक गर्लफ्रेंड। हां लीना जी क्यों ना आप भी ये आईडिया इस्तेमाल करो। हां मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन बोलता है तो। नहीं 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 उसके बाद बंदा जाके किसी और को बोलेगा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद नहीं तुम ही बोलना कद्दू की गर्लफ्रेंड हूं। मैं यही बोलती कद्दू सोयाबीन,
कद्दू मतलब वो बड़ा सा गोल वाला कद्दू तो जामुन होता है कैबेज कैबेज नहीं नहीं कैबेज तो कैबेज होता है वो पंपकिन होता है पंपकिन पंपकिन अरे इनके लिए तो इट इज फाइन बिकॉज़ मोटा वो की कीप सेइंग कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है बट नहीं मेरे को नहीं करना वो लाइक आई डोंट नो जब आपको कोई ऐसे बोले ना तो इससे क्या होता है ना वो दूसरा बंदा उसको लगता है कि मैं किसी और पे ट्राई मारूं उसको बुरा नहीं लगेगा और अगर आपको कोई काम हो तो आप उससे अपना काम भी करवा सकते हो और उसको ऐसे फेक लव अगर वो भी तो फेक लव कर रहा है ना टिल्लू तो आप भी फेक लव करो ये क्या है अरे टिल्लू मेरे पे इंटरेस्टेड नहीं है गुडी से इंटरेस्टेड है गुडी से आई लव यू चल ये कौन है रॉक्स में अरे तो ऑफिसर है बुला लूं क्या ये तो ऑफिसर है क्या आप अपना नंबर दो ना Criteria, we are also looking for ambulance drivers. We have 7 girls in our department. Wow. Woman compartment. हाँ ये भी अच्छा है विटारिया तुम ये भी कर सकती. But sir मैंने एक बारी गाड़ी चोरी करी थी तो मैं जेल गई थी. चोरी करी थी? Sir वो उस टाइम पे गाड़ी नहीं थी ना मेरे पास. अरे अभी तुम खुले आम तो ऑक्सी का बता दिया तुमने. Sir. सर मैंने जानबूझ के कोई काम नहीं किया सर बस गलती से होता है ऑनेस्ट तो है वैसे डॉक्टर लीना मानना पड़ेगा लड़की ऑनेस्ट तो है लीना जी एक काम कीजिए आपके यहाँ पे कोई जगह है क्या नौकरी वगैरह नहीं सर मेरे को बर्गर शॉट में करना है मेरे बचपन का सपना है बर्गर शॉट में सोना बचपन का सपना हाँ ये गुडी भी अरे आपके बगर में कुछ है क्या वो पारी भी आके सब आ रही है खा के फुल पेट भर अरे अपने इधर का खाना इतना पौष्टिक खाना है पूरा पेट भी भरता है क्यों नहीं आएंगे तो खाना नहीं हाँ रूस्टर पे खाना भी अच्छा नहीं है और लोग भी अच्छे नहीं है नहीं रूस्टर पे एक चीज अच्छा है छोटू सांता क्लॉस है गॉड वो मेरे पास है ये लो आपके लिए लिटिल सांता और ये लो डेजर्ट अरे तो 5-6 दिन पहले का है भाई अरे यू हैव हां जी मेरे पास ये है देखो देता हूं अच्छा व्हाट डू यू हैव मैंने दिया सेंटा सेंटा छोटा सेंटा है डेजर्ट है मैंने रखा है यहां पे मेरे पास है छोटू सांटा ये किसने लिया रुको मैं आपको चाय देती चाय लो लीना क्या चाय ली चाय ओके चाय ओ माय गॉड ये देखो ये है मेरे पास लैला ओ लैला रूस्टर अरे बिकता है क्या कहीं पर ये सब मालूम नहीं आ रहा इसे मेरे को खेलते हैं इसको रात में नींद ना आए तो इसके साथ खेल लो क्या हो रहा अरे इसका अगर पेयर्स में दो तो इसको खरीदते कोई तो कौन खरीदता है इसको आप इस्माइल नहीं डॉक्टर इस्माइल भाई कॉर्बेट की कॉर्बेट को स्पेल करना एक बार कॉर्बेट K O R B E भूल रही हो तुम हाँ जी नहीं जा रही बस मैं यही बोल रही थी स्माइलो ये सब जो बातें हुई है ना उनको बोल दो कि वर्क प्लेस में ये सब बातें डिस्कस करते हैं वही हम भी यही चाहते हैं मैं कभी आके आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करती ना वर्क प्लेस में ये सब बातें कुछ भी तो नहीं 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 अरे एनयू वो डिस्कस नहीं करी हम लोग आपसे पूछे ताकि अंदर तुम लोग कैसा प्यार मोहब्बत से रहो समझ रहे वैसे आके खुद ही चालू नहीं करी अंदर अंदर कंप्लेन नहीं आएगा दिक्कत मतलब मेरे साथ से कुछ नहीं होगा स्माइलो ठीक है चलो बाय बाय स्माइलो हैव फन टेक केयर ठीक है ठीक है ठीक है बाय देखो जेलस हो रहा है स्माइलो पीछे कोई बात नहीं कोई बात चलो मिलते हैं मैं ट्राई ठीक है क्या बोल रहे थे पकड़ जाएगा तो एफ हो जाएगा नहीं नहीं हम है ना डॉक्टर ना मैं नहीं करता
इविल है मैं देखूंगा सिर्फ अच्छा आपने कर ये ईट टोकरी हमारे सर पे इस्माइल भाई हां नहीं ऐसा नहीं फंस गया मैं कहां फंस गया तू अरे बर्गर चौक के पीछे कूड़ेदान में क्या बात कर रहा मैं कूड़ा फेंक रहा था खुद ही चला गया अरे 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 और ये सुना मुझे कह रही है मैं स्टक तुम स्टक हो स्टक हो गए स्टेप ब्रो बताओ भाई भाई अरे निकल रहे भाई क्या चल रहा है नो 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 चल भाई नहीं निकल पा रहा नहीं 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 रुको अरे मैं नहीं निकलूंगा जब भी बाहर निकलेगा ना लेजर थोड़ा ना लेना ठीक है बदबू आ रही है पूरी तेरे अंदर से नहीं जा रहा है सर भाई नहा नहीं जा रहा अरे निकाल बे निकल गया तो गया दूर रहो दूर रहो दूर रहो आई ठीक है ठीक है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो इसे ना ले ठीक है ना ले तू चलो ना ले जा हेलो ये बाइक वैसे अच्छा किसका है ये कूद गया क्या कौन अरे हावी है इधर ही तो था कूद गया क्या नहीं इधर तो कोई भी नहीं है मर गया क्या ये फट गया होगा फुट्टे कामा करने को तैयार हो रहे अरे वो तो अपना स्कीम भी बहुत गिरा गया ना ब्रो बर्गर शॉट का बहुत गिरा स्कीम आलू नहीं किधर गया लग रहा ऑफिस अरे किधर गया यार वो ता नहीं था गए फोन लगाओ क्या उसको मैं लगा हां लगाओ लगाओ मुझे लग रहा है ऑफिस से इंफ्लुएंस हो गए क्या बात कर हेलो अरे किधर भाग गए भागा नहीं अरे अब उसका फोन आ गया अर्जेंट उसको वो करना है गाड़ी चाहिए थी कुछ मैटर हो गया उसका अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है क्या हुआ वो लगा तुम भाग गए इधर से नहीं नहीं भागा नहीं उसका मेरे को मैसेज आया कि अर्जेंट नीड अ कार एट लीजन तो मैं फट से गया वो उन वो कर रहे थे इसमें भाई समझ रहे अच्छा 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 ऑलराइट ऑलराइट ठीक है ठीक है चलो मैं थोड़ा सा एक सामान लेने को जा रहा ठीक है मेरे को फोन कर देना ठीक है ठीक है ऑलराइट ठीक है ठीक अच्छा इस्माइल भाई सुनो मैं गाड़ी लेने का सोच रहा हूं हां तो कोई रिकमेंड करो कोई गाड़ी लैम्बोर्गिनी ले लो लैम्बोर्गिनी 1.7 नहीं इतना पैसा नहीं है इतना पैसा नहीं है नहीं कोई बजट कार वो चलेगा तेरा खुजली वाला नहीं नहीं वो नहीं कोई बजट ठीक ठाक सी गाड़ी कैसा चाहिए बाइक चाहिए तो कार चाहिए मेरे पास सुल्तान है सुल्तान है 2 लाख का लिया कितने की है वो 2 लाख दो लाख का वही ले लूं सही है हाँ पर वो ये शायद लिमिटेड एडिशन है चलो पूछता हूं फिटिंग जाके नहीं तो फिर एक वो है पेनमराज बोल के वो भी ले सकते अच्छा अच्छा सुना है कि वो गाड़ी लेके पोटे रेसिंग बहुत करते हैं रेसिंग वेसिंग नहीं का होता अरे जा चले आना कभी समरे हां वो ये एक बार चले जाऊं हां ठीक है ठीक है ठीक है चलो ओके ओके तो भाई सामान लाए क्या आप अरे मैं तो तब से इधर ही हूं रे भाई अरे इस्माइल भाई इतना कंधो कुछ भी नहीं है लर्निंग प्रोटीन ले जाओ गाड़ी में बैठो कहाँ कहाँ गए अरे वो गया वो गया वो गया वो थोड़ा सामान लेके आते अच्छा मैगी खा आप इसे रख कैसे हो बढ़िया बढ़िया आप बताइए आप क्या हाल है बस कुछ नहीं अभी थोड़ा सा सामान लेने जा रहा था मैं आपका वो पार्टी का कुछ हुआ नहीं जोशी सर नहीं है नो नो जोशी इज नॉट देयर हाउ यू हैव योर फूड बडी या ओह थैंक यू सर अरे अरे अरे
अब मैं आपको बताता हूँ सर, वो थोड़ा सा भी डिले हो रहा है क्योंकि हमारे थोड़े अब इस्माइल सर ने बोला मेरे मेरे साथ बैठने के लिए, तो मैं बैठ गई, वो उनके गाड़ी में हूँ। हाँ अब चले गए, चलेगा हम। हाँ किधर जा रहा है वो? इस्माइल अच्छा 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 हाँ हाँ क्या बात कर रहे हो? पाद्री पाव डाल लिया, क्रैक। लाइक मत करो गाइस। आई 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 हो गया। लीला जी आपको आपको कहीं छोड़ना वगैरह है क्या, या आप फ्री हो? मेरे पास नहीं, मैं फ्री हूँ। मैं फ्री हो ना? ठीक है। हाँ मेरा वो बाइक जो है वो मैंने अभी बगर शॉट के सामने वो कर दिया, पार्क कर दिया। एंड उधर पता नहीं अभी हावियर ग्रॉक्समिथ की गर्लफ्रेंड को लेके आ रहा है कुछ कन्फ्रंट करने के लिए। गर्लफ्रेंड को लेके आ रहा है बगर शॉट में? ये तो मेरे को भी नहीं मालूम। वो रॉकस्मिथ की गर्लफ्रेंड? हाँ बेबो है, बराबर उनकी गर्लफ्रेंड। हाँ वही तो लेके। फोन लगाओ क्या मैं उसको? हाँ फोन लगा के पूछो। वो तो मैंने दिखाया ना खुद। अरे बोल रहे थे कि कुछ। हाँ जी। हाँ ये मैं लीना जी बोल रही कि तुम रॉकस्मिथ की गर्लफ्रेंड लेके आ रहे हो? हाँ, अरे वो एक रॉकस्मिथ को मत बताना, वो सीक्रेट है, उनका बांडा फोड़ना है। अच्छा ठीक है। हाँ उनको मत बताना। अरे वो डबल डेट कर रहे हैं। क्या बात कर रहा? हाँ बताना मत उनको, ये हम तीनों के बीच में। ऑलराइट है। हाँ तो उनको तो वो उनकी गर्लफ्रेंड इनको ढूंढ रही है, समझ रहे हो? हाँ समझ गया समझ गया। ऑलराइट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मालूम नहीं कुछ तो भांडा वांडा फोड़ने की बात कर रहा है। फोड़ने की बात कर रहा है? भांडा भांडा भांडा। तुमको मालूम है क्या लीला ये भांडा क्या होता है? भांडा भांडा तो वो होता है भांडा भांडा तो वो होता है भांडा। हाँ भांडा भांडा बोले तो पोल, पोल खोलने की कोशिश कर रहा है वो, समझ रहे? पोल मालूम है? फूड नहीं पोल पोल पोल। हाँ पोल बोले तो खंबा नहीं, खंबा नहीं। अरे कैसा बता रहे हो मैं? अरे मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता है। कैसा बोलेंगे यार? अच्छा इंग्लिश में बोले तो वो कुछ तो अनमास्क करने की कोशिश कर रहा, समझ रहे? अच्छा हाँ समझ गए कल लीना जी मैं क्या बोलूं? बताओ लीना जी, मैं शहर में आता हूँ थोड़ा मस्ती वस्ती करने, बराबर? कभी आप कुछ सुने कि इस्माइल भमसागिरी कर रहा है, इस्माइल ये कर रहा है, इस्माइल वो कर रहा है, इस्माइल ने उसको गोली मार दी, इस्माइल ने उसको उठा लिया, कभी सुने तुम ऐसा मेरे बारे में? इस्माइल पकड़ा गया, पुलिस ले गई, कभी सुने तुम? नहीं नहीं। फिर तो, कभी तुमको मालूम है ना मैं कितना सज्जन आदमी हूँ? ऑब्वियसली। कैसा है कुछ पुट्टों को सहन नहीं होता ये चीज कि ऐसे कैसे बर्गर शॉट में इतने लोग इतने खुशहाल कैसे है? नहीं जीने दूंगा उनको खुशी से, समझ रहे? तो लाइक ऐसे ऐसे कर रहे हैं मतलब। हाँ तो कैसा है वो हमारे रंग में भंग डाल रहे हैं। अभी तुमको रंग में भंग मालूम है क्या? मैं भंग डाल रहे हैं मतलब बिजनेस में तंग कर रहे हैं आपको। हाँ
समझ रहे क्योंकि कैसा होता है देखो अभी वो लोग तो बमचागिरी करके 5 मिनट में निकल जाते बराबर उसके बाद वो पुलिस आती है उधर फिर मेरे को वो खून निकालो ये डीएनए निकालो दुकान साफ करो पता नहीं क्या 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 उसके अंदर इतना टाइम जाता है मैं कुछ भी नहीं कर पाता जो मेरे को करना है समझ रहे उनके लिए तो रहेगा 2 मिनट का काम पर उसके बाद मेरे को एलिजिर को पूरा ऐसा फॉलो अप करना पड़ता है बार 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 और पुलिस एक बार भी पकड़े तो गए नहीं है वो लोग तो क्या करें इसलिए उतने टाइम तक वही तो आपको तो हर रोज न्यूज आता ही रहेगा बराबर मैं खुद आती हूँ 2-3 बार उधर ही बोलते वर्कशॉप में अभी अभी कुछ कुछ हुआ मैं वही तो बोल रहा हूँ मेरे को कुछ पोटे बोलने लग गए इस बार भाई आपके दुकान पे आते हैं हम लोग हमको सेफ लगता है इसलिए हाँ। अभी ऐसे होने लग गया तो क्या अपनी दुकान पे कौन आएगा बराबर नहीं तो मैं भी चालू कर दूं क्या ऐसा बड़ी बड़ी बंदूकें रखना और ठेल लेना किसी को उसका क्या जरूरत है आपको तो कुछ जरूरत है ही नहीं तो पता नहीं भाई कैसे आ रही आवाज ग्लिच है कुछ क्या करेंगे वो वही तो बड़े बड़े गन्स पर उनके लिए कैसा है 2 मिनट का मजाक है वो हाँ वही वही और कुछ मिलता तो नहीं है 2 मिनट में वैसे भी अरे मिलता है ना उनको वो कभी अपने ही बंदे को हास्य बनाए थे कभी ऐसा गना वना दिखा के समझ रहे आ जाते कभी वो अपना वो मास्का पहन के आ जाते हाँ। चूहे वाला आपके बर्गर शॉट में होता है पता है रोस्टर वगैरह में नहीं होता है मैं वही तो बोल रहा मैं चालू कर दूं क्या फिर ऐसा पकड़ा पकड़े गोली मारना बताओ कल से कर दूं मैं चालू आप बोल दो लीला जी बस चालू कर दो ये नहीं नहीं ओ उसके वजह से आपने वो लिखा था मैं सोच रही थी ये क्या हुआ फिर नहीं तो क्या एक स्टॉक ले लेते इसका सामान गिर गया अब इट मेक्स सेंस वही तो और एक बात है लीना जी कि देखो वो लोग अटैक बंद करना कब करेंगे जब वो लोग पकड़े जाएंगे पकड़ में नहीं आते वो लोग हाँ पकड़ नहीं पाते एक मिनट ब्रो एक सेकंड दिक्कत वही है आपने वो उधर जाके उनके बारे में चंद्रा के लिए जल्दी से किरा बुलाओ लगाओ ये तो बहुत न्यूसेंस हो रहा है ये तो बार बार अरे ये तो पुलिस वालों को भी मालूम है कि इतना सब कुछ होता है उधर और कल तो मैं अलार्म बजा के थक गया पर घंटा पुलिस नहीं आई अरे ये तो है पुलिस स्टेशन लाइक लिटरली बाजू में है एक चौक छोड़ के है गली एक गली है बीच पैदल भी आ सकते हैं पैदल भी आ सकते हैं मालूम वही एक मिनट का हेलो हेलो एलिजा की तरफ से दिल से जुड़ गए को आप कैसे हो चाचा अब मैं एक छोटा सा एक बात में थी मैं बात में कॉल करूं आपको डेफिनेटली कॉल करूंगी ठीक है बाय बाय नहीं यार वो पूरा फ्रेश बनता है अपने इधर क्या आपने भी ये छोटू सांडा नहीं बनाया छोटू सांडा नहीं नहीं मैं केक बनाया था मैंने एक हावियर को भी दे दिया अब मैं एक सबको दे दूंगी मेरे पास दो बच्ची है पर आपने मेरे को नहीं दिया मिनट आई विल गिव यू वन छोटो सांता ठीक है देयर यू गो देन आई विल गिव वन फॉर माय सेल्फ डाल लिया इजंट इट छोटो इजंट इट नाइस अच्छा है अच्छा ये आइटम अच्छा है उनका ये बहुत क्यूट लगा मुझे लग तो रहा है वो छोटा सा सैंटा क्लॉज ही है वही आपने क्यों नहीं बनाया छोटू सा कुछ बनाना था ना अरे मैं बोला ना मैं केक लेके आया हाँ तो ये
year special भी ऐसे कुछ नहीं नहीं ऐसे छोटू सैंटा क्लॉस जैसे माय लीना जी कैसे बोले तो मेरा और रुस्टर का कैसा है कंपटीशन नहीं समझ रहे अरे तो वो लोग क्योंकि वो लेके आ गए इसलिए मैं केक लेके आ गया ताकि जो शहर के लोग हैं वो केक भी खाना और वो छोटू सैंटा भी खाना आपको तो मालूम ही है ये पोटे दिन भर बस झगड़ते रहते हैं यार वही तो कोई वो अरे मैं तो बोलती हूँ रूस्टर और बर्गर शॉट के बीच में तो कुछ होना तो नहीं चाहिए बट फिर भी नहीं हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं होगा जो होगा ये लोग ही करते रहेंगे समझ रहे गरीब लोग गरीब लोग ही पीसेंगे लीना जी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी हेलो गिर तो नहीं गई पुअर पीपल हेलो हेलो अब आ रही है अभी आ रही है अभी आ रही है ये क्या कोल्ड स्टोरेज है क्या ये है अपना प्रोटीन्स प्रोटीन आई हैव हर्ड कि लाइक यू कैन गो फॉर फिशिंग एंड देन ड्रॉप सम स्टफ हां वो भी कर सकते हैं पर अभी तो टाइम कहां है हां तो मैं बोल रहा था कि कल मालूम कल मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है बहुत गुस्सा मेरे को इतना गुस्सा आया कि एक टाइम पे मैं ये भी सोच लिया कि मैं बर्गर शॉट में काम नहीं करूँ मैं इसको बेच बूझ के हैदराबाद चले आऊँ अरे मैंने देखा था वो मुझे तब देखा था ना वो मैसेज देखा था कुछ तो गलत हो रहे थे और कल कैसा आया मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं था मैंने कॉल किया हाँ मालूम है माया ने भी कॉल किया सब ने कॉल किया मैं किसी का कॉल नहीं उठा मैं चुपचाप जाके पुट्टू के साथ फिशिंग कर रहा हूँ और बात बता उधर पुलिस आई थी और हमारे लाइसेंस चेक कर रही थी हवली पुलिस और तीन पुलिस आई थी तीन फिशिंग का लाइसेंस चेक करने को अरे मैं एक चीज बोलती हूँ ठीक है ये थोड़ी पुरानी बात है हमारे ईएमएस में कुछ प्रॉब्लम हुए मैंने कॉप्स को बुलाया कॉप्स आए नहीं ठीक है और हम गए पीडीएम पे बकचोदी हाँ उस दिन याद है तब मैंने बोला आपके साथ फिशिंग में नहीं आ रहे हो याद है हाँ तो उस दिन क्या हुआ था हम बकचोदी कर रहे थे पीडीएम के सामने पता नहीं पांच छह पुलिस ऑफिसर्स तो आज गए थे बकचोदी करने ठीक है हम सब थे उधर एंड मैंने तो बोला कुछ काम है होते तो मैं कॉल देती हूँ रेडियो पे तो कोई आता ही नहीं है कॉल के वही यारो ऐसा भी नहीं कि उधर ऐसा 7-8 बार अटैक हो चुका है एक भी बार कोई पकड़ा नहीं गया एक बंदा पकड़ा गया था जिसको हमने ठेला था ट्राई कर रहे थे अरे इस्माइल जी वो अभी बात हुए ना तब थोड़ा लाइक चेंज हो गया है अभी दे आर लाइक ट्राइंग अभी प्रॉब्लम क्या है जो ऑफिसर्स है देर आर लाइक सो मेनी ऑफिसर्स एट ऑलवेज एट द पुलिस स्टेशन वही वो प्रॉब्लम है तो रेस्पॉन्ड तो बहुत कम लोग करते हैं आपको और एक बार बताऊं मैं उस दिन हमारे एक एम्प्लॉय है उसे गलती से वो अलार्म बज गया था ठीक है 10 पुलिस आ गई थी 10 पुलिस आ गई थी उधर गलती से बज चुके हैं ना इसलिए हाँ और जो सच्ची मदद चाहिए थी एक पुलिस नहीं आया एक makes a lot of sense abhi kya hota hai inko kaisa hai apna department dekhna padega thoda ha to bas wahi hai ki but acche office hai but are hai yaro usme koi dikkat nahi hai ye acha office wagera hai uska tension nahi hai ha police kaisa hai wo jo picture mein dikha di na jo sab kuch hone ke baad aati hai waisa ho raha उसके बाद हम लोग डीएनए देंगे ये देंगे पता नहीं क्या देंगे आईडी देंगे डीएनए देंगे कपड़े देंगे बाल देंगे पता नहीं क्या क्या देंगे अरे नहीं मिल रहा यार वो नहीं मिल रहा उसमें भी डीएनए में पता चलता है कि वो हमारे बंदे का डीएनए है बिकॉज़ हूएवर गेट्स शॉट उसका जैसे आप उधर साइड पे हो
आपको ब्लड उधर लाइक फॉर एग्जांपल यू वर देयर इन दैट साइड यू गेट हर्ट राइट टेबल से भी कुछ हो गया के टेबल के एज से भी कुछ हो गया तब आपका भी डीएनए उधर गिर जाएगा समझ रहे हो ना हां तो, मालूम है वही तो उससे अलावा उनको एक और चीज है मैं तो फॉरेंसिक्स में हेल्प करती हूं ना देयर समथिंग एल्स जहां पे वो गन्स यूज करते हैं उसके उसके केसिंग्स तो उधर होता ही है वो तो अब क्या ही बोले एक बंदा आके मेरा गाड़ी पूरा गोली मार के फोड़ के गया था ठीक है उसमें फिर क्या हुआ वो लोग आएंगा आएंगा अरे हमको तो पता चल ही जाएगा कौन है कौन नहीं है ये वो तीन दिन के बाद बोलते हैं कि उसका कुछ पता नहीं लग रहा बताओ मैं क्या करूं हो गया आइए But then they have ways to find out कि किस जैसे आप विश्वास ही नहीं रहा मेरा पुलिस में यारो बिल्कुल विश्वास नहीं रहा मेरा मेरा भी बीच में से गए थे अभी फिलहाल थोड़ा ऑफिसर्स अच्छे हैं तो उसके वजह से मैं वापस आ रहा अच्छे जब ये लोग आ कैसा है ऐसा हमले होंगे और पकड़ेंगे ना तब मेरा विश्वास वापस आ जाएगा सुनो उनको पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं बट एक क्राइम सीन में जो शूट करता है ना आपके पास भी एक लाइसेंस होगा बराबर हाँ। तो उसके वजह से आपका गन का व्हाट डू यू से लाइसेंस विल बी मैचिंग विद योर दिस थिंग ठीक है नहीं तो ये लोग जो है ना ये जो आते हैं ये कुछ तो अलग बंदूक लाते हैं ओह आई नो दिस काइंड ऑफ ओह या समझ रहे ओके ओके गॉट इट पहुंचे हुए तुरम खाने मतलब they are actually coming to hurt Burgershot नहीं 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 वो ऐसा करते हैं कुछ और ही करते हैं वो हम पे कुछ नहीं करते पर उसका प्रॉब्लम हमको होता है अच्छा बाद में जाके तुम लोग को प्रॉब्लम होता है बिकॉज़ वही तो बराबर maybe आपकी अच्छे कांटेक्ट नहीं कैसा है ऐसे ही चलता रहा ना तो उसके बाद मैं भी एक बड़ा बंदूक ले घूमूंगा अच्छा रुको मैं सामान देके पहुंचता ठीक है किस किस स्टैंड न्यूज़पेपर स्टैंड मैं समझा नहीं न्यूज़पेपर स्टैंड क्या है ठीक है करो फोन करो न्यूज़पेपर स्टैंड न्यूज़पेपर पढ़नी है क्या मालूम नहीं यार पेपर तो हाँ मोनिक्स बोलो अरे एलेक्सर का नाम पेपर में आया है न्यूज़पेपर में एलेक्सर का नाम आया है हाँ, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है आज ठीक है मैं देख लेता हूँ मैं उससे फोन करके बात कर लेता ठीक है मैं थोड़ा सा सामान डाल रहा अभी मोनिक्स थोड़ा एक टाइम दो मेरे को हाँ मैं वापस वही आ रही आ जा आ जाओ हाँ आइए कोई टेंशन नहीं इधर आइए हेलो आपको ऑफिस में बैठना है या उधर सामने बैठना है नहीं ऐसे मैं लाइक आप बिजी हो तो आप करो अपना काम नहीं बिजी नहीं हूँ मेरे को सिर्फ वो सामान डालने का अंदर समझ रहे अच्छा आइए ऑफिस में ही बैठिए फिर अच्छा ठीक है आ रहा हूँ मैं सामान डाल के अरे जेल कहाँ से हो गया यार उसको थोड़ा सामान निकालो उसमें से वो एम्प्लॉय थोड़ी हमारी हेलो रे भाई ये कर लो भाई हे यो यूएस वो मर्ड मी मोनिका इतनी खुश क्यों हो रही है उसकी जेल जाने से डालो रे डाल दो
डाल लिया ठीक है। वो सच में जेल गया है क्या एलिसिर? हाँ। पेपर पढ़ो ना, एक पेपर बाहर पेपर पढ़ा वो पढ़ लो। पेपर का को पढ़ो, उसके मुंह पे पूछूंगा उसको। आप आराम से काम करो, I'll go to sleep, ठीक है? 4 बजे ड्राइविंग जाना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको छोड़ना है किधर, या इधर स्टाफ रूम में सो जाओगे? बस बाइक है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं दरवाजा खोल देता। हाँ एक मिनट रुको जी, आ रहा हूँ। एक से डोंट वरी, ओके। क्या आप एक काम करो ना, थोड़ा कॉन्टैक्ट्स बनाओ, शायद उन लोग को समझ में आएगा कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो ये नहीं करेगा, समझ रहे हो? बात चालू है, बात चालू है, समझ रहे हो? समझ रहे हो, एक दूसरे से बात कर। हाँ वो लोग को नहीं पता चल रहा होगा और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको समझ में आएगा तो शायद वो लोग बंद करेंगे ये सब इधर। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, मेरा थोड़ा बात चालू है, समझ रहे? ठीक है ओके, ठीक है इस्माइल जी, अब आपके ख्याल रखना, डोंट वरी बी हैप्पी, ठीक है? ठीक है लीना जी, अरे ठीक है इस्माइल जी, मिलते हैं। आ रबिन इस्माइल भाई, बिजी हो क्या आप? नहीं नहीं, ऑफिस में छू मैं। थोड़ा सा मुझे वो वैनमो में $2300 दे सकते हो, वो जो मैंने अशरफ को दिया था, ₹2000 कम पर रहे, मैं काम कर रहा ना, ₹2000 कम पर रहे बस। एक मिनट रुको, भेज रहा हूँ तेरे को अभी। हाँ वैनमो में से ना, पर आप थोड़ा सा भेज दो। ठीक है, इतना ढाई भेज रहा तेरे को, ठीक है? मतलब मैंने उसको 2300 दिया था, अब अगर एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो। हाँ भाई तेरे को, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बफर हो गया गाइस, लग गया मतलब अपलोड के मेरे। ये हो रहा है क्या गाइस, इशू हो रहा है क्या? स्पीड टेस्ट करने दो मेरे को। क्या अपलोड तो है, अपलोड नहीं है, सॉरी डाउनलोड तो है, अपलोड चालू हो रहा है अभी। हाँ अपलोड तो है, आई थिंक शुड बी ओके नाउ गाइस, अभी ठीक है ना? अभी सही हो गया, मैंने चेक किया अपलोड। या आज का साला इंटरनेट में बहुत डिप्स आ रहा है। क्या फायदा हुआ, 1200 में ही पड़ा मेरे को, 1200 में ही पड़ा मेरे को लगभग। स्कैम करती है, स्कैम करती। अरे वो एलिसिर तो फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे वही इस्माइल भाई, हाँ। मैंने भी फोन किए, अभी तो यहाँ देखने आई थी। अरे वो जेल में, अरे उठा दो। अरे पर जेल गया क्या वो? अरे मेरे को भी नहीं पता, वही पता करने आई थी, उधर में एक कस्टमर मिल गया, माल बेच दिया मेरा। इस्माइल भाई इधर आ, आ रहा आ रहा आ रहा। इस्माइल भाई हाँ बता रहे भाई, दे आ रहा आ रहा, दे तो सही। बादल देखो एक बार, बादल देखो एक बार। क्या बैंगन है रे भाई, माय गॉड, दिस ली आई टेल या।
ठीक है कि ये कर कोई बात नहीं है आ जाएगा वो अरे ये मोहतरमा कौन है अरे मैं कुछ हादसों पर सुना के रख रहा हूँ ठीक है ठीक है ठीक है अरे गलती से हुआ चलो गाइस अभी सबके सब एक्सपेंसिव बुया करके पट से बुया पे आ जाओ जल्दी जल्दी गाइस जल्दी जल्दी आओ गाइस आई एम वेटिंग